मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैक्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी बच्चन पांडे फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। बतलाएंगे मूवी ने 2022 में कितनी कमाई की थी और इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे और साथ ही साथ बच्चन पांडे फिल्म को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बच्चन पांडे फिल्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो फिल्म को 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म से अच्छी उम्मीदें की जा रही थी कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी कमाई करेगी, लेकिन बता दें दोस्तों ये फिल्म सभी को गलत साबित करते हुए बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया और मूवी 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई है। बता दें दोस्तों मूवी को बनाने में 180 करोड़ बजट खर्च हुए थे और दोस्तों वहीं पे बात कर ले बच्चन पांडे मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये मूवी अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाया है जिसकी वजह से इस फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया। बता दें दोस्तों ये मूवी 2022 की बहुत ही बड़ी फ्लॉप मूवी मानी जाती है कि दोस्तों जो फिल्म भी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाता है उस फिल्म को बहुत ही बड़ा फ्लॉप कहा जाता है। और वहीं पे बात कर ले इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी एंड पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो फरहाद सामजी सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में बात करें तो साजिद नादिदवाला सर ने फिल्म की कहानी को लिखे थे। बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो साजिद नादिदवाला सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और फिल्म से अच्छी उम्मीद की जा रही थी कि मूवी एक अच्छी कमाई करेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया ये मूवी। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जो फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित की गई और साजिद नादिदवाला द्वारा निर्मित की गई मूवी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी अभिनय करते हुए नजर आए हैं और ये फिल्म 2014 की तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रिमेक बनाई गई है जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द डॉटी कार्निवल से प्रेरित बतलाई गई थी। और साथ ही साथ बच्चन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल फिल्म जो है यानी कि बीरम का रिमेक बनाया जाना था, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। इस स्क्रिप्ट को बदलने के बाद फिर से बतलाया गया था और सूत्रों के हवाले से यह बतलाया गया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा की रिमेक बनाई जा रही है। बताएं दोस्तों फिल्म के शीर्षक के लिए 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है, क्योंकि इस मूवी की शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। तो अब वहीं पे बात करें इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म की फोटोग्राफी 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में शुरू हुई थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई और 6 जनवरी 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा किया गया था। इसी के साथ बच्चन पांडे मूवी को 1 जनवरी 2020 को रिलीज किया जाना था लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण इसे 22 जनवरी 2021 में बदल दिया गया था और फिल्म अंततः 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे शुरुआत में, लेकिन बाद में फिल्म ने बुरा प्रदर्शन
ग्रहण किया, जिसकी वजह से फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले। दोस्तों रिलीज होने के बाद आलोचकों से अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी, लेकिन फिल्म की कहानी और पटकथा खराब, चरित्र विकास लेखन थे जो कि अनावश्यक हो गया था और कॉमेडी और साथ ही कमजोर कार्रवाई की आलोचना की गई थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे असफल रही थी। लेकिन दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने के बाद भी बी पार्क धारक गाए गए गीत मेरी जान ने लोकप्रियता बहुत ही अच्छी हासिल किया था। दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल वीरम का रीमेक बनाया जाना था, लेकिन फिल्म के निर्माता मूल विचार के साथ आने के लिए स्क्रिप्ट को बदल दिया था। हालांकि बाद के सूत्रों ने बताया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा की रीमेक बनाई जा रही है। इस फिल्म की शीर्षक 2008 की एक्शन मूवी टसन फिल्म से लिया गया था, जो मुख्य फोटोग्राफी मूवी की 6 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे मूवी पहले 1 जनवरी 2020 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण मूवी को रोक दिया गया था और मूवी को 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। अब ये मूवी 15 अप्रैल 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग किया गया है। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो पे इस मूवी को जाके देख सकते हैं। दोस्तों बच्चन पांडे रिलीज होने पर इस फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। शुरुआत में आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि ऑन यानी कि इस टॉप मूवी मनोरंजन में लतपत दिखती है और अभिनेता अक्षय कुमार इस फिल्म में एक्शन में यानी कि उत्कृष्ट अभिनय करते हैं और बड़े पैमाने पर भूमिका कट्टर मनोरंजन की तलाश करने वालों के उद्देश्य से पर्याप्त ताली और सीटी के क्षण है, जो कि जनता के लिए एक अच्छी बात है। दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और इसे अजीब और घिसे पीटे चरित्रों की एक यानी कि अराजक गड़बड़ कहा है। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 13.25 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ की कलेक्शन किया था और तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ की संग्रह किया था। और कुल एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने 37.25 करोड़ से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49.98 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म ने विदेशों में 9.11 करोड़ से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ की सकल संग्रह किया था। फिल्म को द यानी कि कश्मीर फाइल से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका किया था। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चन पांडे फिल्म के बारे में, इसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। तो दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार के फैन हो और इनके मूवीज़ को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से हम बात करेंगे विस्तार में बच्चन पांडे फिल्म के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बात करें बच्चन पांडे मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों वहीं पर बात कर ले इस मूवी की बजट के बारे में, तो बच्चन पांडे फिल्म को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी 68 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये मूवी इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई है। दोस्तों वहीं पे बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस एंड अर्शद वारसी, पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे, क्योंकि दोस्तों ये मूवी की शूटिंग 2020 में स्टार्टिंग की गई थी और मूवी की शूटिंग 2021 में ही पूरी कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पा रही थी। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है, जो फरहाद सामजी धारा ने निर्देशित की गई और साजिद नादी द्वारा धारा निर्मित की गई मूवी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी अभिनय करते हुए नजर आए हैं और ये फिल्म 2014 की तमिल भाषा की जिगर ठंडा मूवी की रीमेक बनाई गई है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डॉटी कर्निवल से प्रेरित मूवी थी, जो बच्चन पांडे को शुरू में तमिल भाषा और साथ ही वीरम का रीमेक बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें लेकिन फिल्म के निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए स्क्रिप्ट को बदल दिया था। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रीमेक बनाई गई है। बता दें दोस्तों फिल्म की शीर्षक को लेकर 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है, जो कि शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। बता दें दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी मूवी की 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में
देरी हुई और साथ ही साथ 6 जनवरी 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा कर लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, बच्चन पांडे पहले 1 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली मूवी थी, लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण इसे 22 जनवरी 2021 को बदल दिया गया था और फिल्म अंततः 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म अब जो है 15 अप्रैल 2022 से Amazon Prime Video पर स्ट्रीमिंग किया गया है और ये फिल्म आपको Amazon Prime Video में देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस मूवी को फ्री में वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार के करियर के सबसे बुरी फिल्म जिसका नाम है बच्चन पांडे। दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है और फिल्म को इस मूवी को काफ़ी घटिया रिस्पॉन्स मिला है। बता दें दोस्तों, इस मूवी को बहुत ही कम रिव्यू रेटिंग दी गई है और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बिल्कुल लताड़ दिया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो यूट्यूब पे और अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है और मूवी को क्या रिव्यू रेटिंग मिली है। बताए दोस्तों, फिल्म रिलीज होने पर बच्चन पांडे को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। शुरू में रिलीज होने के बाद शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, लेकिन तरण अदास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा उन्होंने, ऑन स्टॉप मनोरंजन मूवी में लतपथ जो है अक्षय कुमार एक्शन में उत्कर्ष दिखते हैं, बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका को कट्टर मनोरंजन की तलाश करने वालों के साथ ही उद्देश्य से पर्याप्त करते हैं। और बताया दोस्तों, सीटी के क्षण यहाँ पे जनता के लिए रखी गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और इसे अजीब और साथ ही घिसे पिटे चरित्रों की एक जो यानी कि अराज गड़बड़ कहा। बता दें दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 13.25 करोड़ की कमाई की। वहीं पे बात कर ले मूवी के दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने दूसरे दिन भी 12 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया था और तीसरे दिन ने भी फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और कुल एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने एक हफ्ते में 37.25 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये मूवी 20 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49.98 करोड़ से अधिक की कमाई किया और विदेशों में फिल्म ने 9.11 करोड़ से अधिक की कमाई की। इसी तरह दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था और फिल्म को द कश्मीर फाइल से भारी यानी कि भारतीय सफलता का सामना करना पड़ा जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया था। बता दें दोस्तों, इसी तरह ये मूवी को फ्लॉप घोषित किया गया क्योंकि फिल्म को 140 करोड़ से अधिक के बजट में बनाया गया था और ये मूवी साल 2022 की फ्लॉप मूवी रही है। बताया दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चन पांडे मूवी की कहानी के बारे में कि फिल्म में कौन सी कहानी को बतलाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे मूवी को रिव्यू करता हूं, फिल्म की कहानी को एनालिसिस करता हूं और साथ ही साथ मूवी को किस तरह से बनाया गया था इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाता हूं। तो दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक नवोदित निर्देशक मायरा वेकेदर से। मायरा दिवेकर जो एक फिल्म निर्माता धारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक जो है गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है उनको। अब निर्माता के व्यावसायिक जो है दृष्टिकोण और साथ ही यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी यानी कि भूख को संतुष्ट करने के लिए वह स्क्रिप्ट के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। साथ ही साथ आपको बता दें, उसके व्यापक सोच से यानी कि बात हुआ कि एक आंख वाले बच्चन पांडे 1 करोड़ के साथ गैंगस्टर इन विचित्र लेकिन डरावने गुर्गों से दिखने वाला इंसान को उलाती है जो एक गैंगस्टर होता है। अब मायरा बागवा की यात्रा करती है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बताती है कि बच्चन पर अपने फिल्म के विचार के बारे में बताती है और बिशु उग्र हो जाते हैं और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों ही बच्चन के करीब आने के प्रयास में उनके गुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर देती हैं। वर्जिन के साथ गुंडों में से एक उन्हें अपनी पुरुआ एन प्रेमिका के साथ जो है सेफी ने बारे में बताया कि जिसे पुरुआ ने मार डाला था और साथ ही बिशु और के साथ मायरा जो कि वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते थे और उसी के साथ जो है ताकि बच्चन पांडे के साथ उसकी बातचीत हो सके और सुन सके। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा इन लोहारिया के लिए बच्चन के धोखे दे रही है।
बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके धारा पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया गया। बता दें दोस्तों, बीशु और मायरा माइक्रोफोन के माध्यम से हत्या की बात सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह धारा पकड़े जाते हैं। बच्चन, बीशु और साथी मायरा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। और जब उसे यह पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, इसी शर्त के तहत वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाते हैं। और मायरा शुरू में यानी कि स्वीकार नहीं करते हैं उनको, लेकिन बच्चन उसके निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट जो है विकसित करने के लिए, उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ एक फ्लैशबैक में बच्चन पांडे एक भ्रष्ट राजनेता लालजी भगत के लिए काम करता है और एक नतीजे के बाद जो है राजनेता बच्चन की प्रेमिका सोफी का हत्या भी कर देते हैं। और साथ ही प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी थी, जहां उन्हें एक घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार के करियर की सबसे बुरी मूवी, जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों, अगर आप लोग अक्षय कुमार के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता सकता हूँ, साथ ही साथ फिल्म की कहानी को एनालिसिस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब बच्चन और उसके गुंडे अभिनय करना नहीं चाहते हैं और नहीं जानते, इसीलिए वह अभिनय कोच भावेश भोपले के माध्यम से सीखते हैं अभिनय करना। और साथ ही भावेश बच्चन और उसके गुर्गों को मारते हैं और धमकाते हैं और अपमानित भी करते हैं, जिससे उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म के लिए भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करने लग जाते हैं। आखिरकार फिल्म पूरी हो जाती है और सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती है। बच्चन और उसके गुंडे शुरू में साथी यानी कि उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म का प्रचार करते हैं, यह सोच कर कि यह एक किरकिरा गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। और उनके अंत के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती हुई नजर आई है। वहीं पे मायरा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और इसे मीडिया और उनके निर्देशक से तारीफ मिलती है, जो कि अक्सर उनके काफ़ी आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे उसे मारने का फैसला करते हैं ताकि लोगों में उसका डर गायब हो जाए, लेकिन बाद में उससे बचना चाहिए, क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाता है और अपनी कहानी सुनता है कि उसकी माँ धारा उसे बुलाते हुए सुनने के लिए उसके कान बज रहे थे और उसके प्रशंसक भी प्रभावित हो गए थे। और उसके द्वारा बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और बच्चन का करीबी गुंडा और कांडी के साथ जो है पोर्न फिल्म देखने की अपनी जो है आदत छोड़ देता है। और एक यानी कि अनाम फिल्म में बीशु को मुख्य भूमिका मिलती है, भावेश भोपेला के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाता है और बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पहचानी जाती है। वह अपनी माँ का सम्मान भी अर्जित करने लग जाता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की थी, और वह अपराधी बन जाता है और अपराधी काम जो है छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। बता दें दोस्तों, इसी के साथ फिल्म की कहानी खुशी-खुशी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये मूवी से बहुत ही ज़्यादा अक्षय कुमार को उम्मीद थी कि फ़िल्म एक अलग कमाई करेगी, क्योंकि इस मूवी की 2 रीमेक पहले ही बनाया जा चुका है और दोनों ही रीमेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई किया था, सिर्फ अक्षय कुमार की इस फिल्म को छोड़कर। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार की ये मूवी उतनी अच्छी कमाई नहीं की जितनी कि इस मूवी से उम्मीदें की जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री कीर्ति सनोन के बारे में, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है। और आपको पता है, मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूं, जिस फिल्म को एक्सप्लेन करता हूं, उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में आप लोगों को जरूर बतलाता हूं। तो दोस्तों, ये है कीर्ति सनोन, तब से जो है व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी एंड साथ ही बरेली की बर्फी फिल्म से इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग की, जो 2017 और साथ ही लुका छुपी फिल्म 2019 में अभिनय किया है। और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज मूवी कलाकारों की टुकड़ी वाली दिलवाले मूवी
मूवी है जिसे 2015 में और हाउसफुल 4 मूवी 2019 के साथ आई थी। इसी के साथ 2021 में उन्हें मिमी में एक जो है सरोगेट माँ की शीर्षक भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा दी गई। बताए दोस्तों कीर्ति सनन 2019 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है और उसने अपने कपड़ों की अपनी लाइन भी शुरू की है और कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन भी करती है। साथ ही साथ कीर्ति सनन का जन्म 27 जुलाई को हुआ था। नई दिल्ली में एनसाथी चटई और साथ ही अकाउंटेंट जो है राहुल सनन और दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी की इन प्रोफेसर गीता सनन के घर में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार पंजाबी है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में पढ़ाई की है और बाद में जेपी और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉमर्स में अपने शिक्षक को इन्होंने पूरा किया था। दोस्तों सनन ने 2014 में हीरोपंती मूवी के एक कार्यक्रम में कीर्ति सनन इन साथ ही सनन ने 2014 में सुकुमार की तेलुगु मूवी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी यानी कि ननो का दिन के साथ स्टार महेश बाबू के चरित्र की प्रेमी की रुचि के साथ अभिनय की शुरुआत इन्होंने किया। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा दी गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा है कि कीर्ति सनन सुंदर दिखती है फिल्म के अंदर और अच्छा अभिनय भी करती है। इसी के साथ जो है जबकि .com के एक समीक्षक ने कहा था वह खूबसूरत दिखती है मूवी के अंदर और एक जो है नवा गंतुक के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उसी वर्ष बाद में कीर्ति सनन ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत जो है शबीर खान की एक्शन फिल्म हीरोपंती फिल्म में उन्होंने किया था। नवा गंतुक टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने किया था। साजिद नादिद वाला द्वारा निर्मित की गई फिल्म का मिश्रित जो है स्वागत भी इनको मिला था लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे 726 मिलियन से अधिक की कमाई किया और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 9.5 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था और इसी के साथ ये मूवी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे फिल्म को और अभी हम बात करें कीर्ति सनन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी कीर्ति सनन मैम के फैन हो और इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा क्योंकि बता दें दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रेंड मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये शायद आप लोगों को पता होगा। सनन ने 2015 की शुरुआत अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा की क्राइम ड्रामा दुचाय में की। इसमें जो है नागा चैतन्य की सह अभिनीत वाली मूवी थी। वह वरुण धवन एंड शाहरुख खान और काजोल के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी दिलवाले फिल्म में अगली कास्ट थी जिसने जो है बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़कर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें दोस्तों ये मूवी 3.72 बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में मूवी अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सनन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं मूवी के अंदर जिसका मतलब जो है महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। स्क्रीन से एक साल की अनुपस्थिति के बाद सनन ने साथ ही मोडोका फिल्म के साथ मिलकर अपने निर्देशन में पहली फिल्म जो है रब्ता में कई सहयोगों में से पहला काम किया जिसमें उन्हें और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार यानी कि क्रॉस प्रेमी के रूप में दिखाया गया था जो कि पुनर्जन्म लेते हैं। और एक तीखी समीक्षक में फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया था लेकिन कीर्ति सनन की प्रतिमा उत्साही जो है उपस्थिति पर ध्यान दिया गया था। यह फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही रूप से विफल रही थी। साथ ही अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी साथ ही जो है कि बरेली की बर्फी फिल्म में एक बार फिर से इनको देखा गया था और एक बेहतरीन जीवन की आकांक्षा रखने वाली ग्रामीण भारतीय महिला के रूप में सनन की बात की भूमिका को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फिल्म में उनके साथ अभिनय किया जो कि फ्रांसीसी लेखन एन साथी निकोलस के साथ जो है बेरू के उप न्यास द एन साथी डॉगरी डिएसन्स के साथ ऑफ लॉ का एक रूपांतरण फिल्म था। NDTV के सैबल चटर्जी ने कहा था कि बरेली की बर्फी को बनाने का भार जो है कीर्ति सनन पर है और वह यानी कि गलत नहीं है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने सोचा कि साथ ही सैनन के प्रयास के बावजूद जो है उनके प्रदर्शन से स्वभावित की कमी थी।
इसी के साथ 2019 में लुका छुपी फिल्म को प्रमोट करते समय कार्तिक आर्यन के साथ सैनन ने 2019 में दो फिल्मों में साथी मोडाक फिल्म के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें से पहली सिनेमाटोग्राफर एनसाथ लक्ष्मण मूवी वाली और उटेकर की हिंदी मूवी निर्देशन वाली पहली फिल्म जो है लुका छुपी थी, जो कि लिव इन द रिश्तोफर एक जो है व्यंगत मूवी थी जिसने जो है उन्हें कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ा गया था। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा है कि कीर्ति सुनन पूरी तरह से सहज दिखती है मूवी के अंदर और ऐसा लगता है कि कॉमेडी में अपने पैर जमा लिए हैं और इसी प्रक्रिया में यह सब एक अच्छा यानी कि समय दिखता है और एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी। लुका छुपी ने दुनिया भर में 1.29 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन की कमाई की थी यूएसए डॉलर में, और उन्हें अगली बार जो है रोहित गुजराती की कॉमेडी अर्जुन पटियाला में अभिनय करते हुए देखा गया था, जिसमें जो है दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। दोस्तों ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे सफल रही थी और कीर्ति सुनन ने कुछ इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाया है। बता दें दोस्तों वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार के करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है। अगर आप इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बतला दे पुनर्जन्म वाली मूवी कॉमेडी हाउस फुल 4 में इनको देखा गया, जो कि फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक राजकुमारी और एक अमीर व्यवसायी की बेटी की दोहरी भूमिकाएं निभाई। हाउसफुल 4 एक बड़ी सफलता मूवी थी जिसने 2.8 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 37 मिलियन से अधिक की कमाई किया था अमेरिकी डॉलर में। उस वर्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए उन्होंने साथी पानीपत मूवी की तीसरी लड़ाई पर जो है आधारित इन साथी आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म जो है इनकी पानीपत में अर्जुन कपूर की सदा शिवराज इन भाव के साथ जो है यानी कि पारवा यानी कि पर्वत बाई की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो बॉक्स ऑफिस में बम के रूप में उभरी थी। बता दें दोस्तों सनोन ने फिर से यानी कि मोडाक के फिल्म द्वारा निर्मित की गई कॉमेडी ड्रामा मेमी फिल्म 2021 में लक्ष्मण उटेकर के साथ फिर से काम किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जो 2011 की मराठी फिल्म माला आई एन साथी बहेची की रीमेक थी। इसने उन्हें एक जो है महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की मुख्य भूमिका में अभिनय किया था, जो एक सरोगेट माँ बन गई थी फिल्म के अंदर। सरोगेट माँ की भूमिका निभाई फिल्म को नेटफ्लिक्स और साथ ही जो है इनकी जियो सिनेमा पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। तरन आदर्श ने लिखा है सनैन बहुत ही यानी कि मनोरंजक मूवी में दिखती है, इन साथी परफॉर्मेंस देते हैं, यह निश्चित रूप से उनका सबसे यानी कि कुशल दर्शन है और सभी यानी कि तिमाहियों से सराहना प्राप्त करना चाहिए था। निश्चिंत यह है कि साथी यानी कि मैशेबल इंडिया ने सैनन के प्रदर्शन को अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहा था और सैनन ने खुद को आगे बढ़ाया है इसी मूवी से। और वास्तव में जैसा कि आपको बता दें आप उसके साथी फिल्म को देखते हैं एंड सिर्फ आप यानी कि उसे अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी फिल्म यानी कि सैनन के लिए तरह से प्यार एक तरह से बहुत ही प्यारा फिल्म था और मिमी मूवी में उनके प्रदर्शन के लिए सनोन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आईफा पुरस्कार भी जीता। उनकी अगली मूवी रिलीज अभिषेक जैन की कॉमेडी हम दो हमारे दो मूवी थी, जो राजकुमार राव के साथ ये मूवी थी। इसे मोडाक फिल्म द्वारा भी निर्मित किया गया था, इसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। बताया दोस्तों सनोन की 2022 में पहली रिलीज मूवी बच्चन पांडे के साथ आई, जिसने अक्षय कुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाका करने वाली थी, जिसने 180 करोड़ से अधिक के बजट में बनाया गया था, लेकिन बता दें दोस्तों यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 24 मिलियन के बजट के मुकाबले मूवी ने सिर्फ 69 करोड़ की ही कमाई किया और ये मूवी पूरी तरह से पिट गई। विकास के बारे में हम बात करें तो विकास बहल की एक्शन फिल्म जो है कि गणपत में टाइगर श्रॉफ और साथ ही हॉरर कॉमेडी भेड़िया फिल्म में वरुण धवन के साथ सनोन फिर से दिखाई देंगे, जो वह ओम और साथ ही राउत की फिल्म जो है साथ ही साथ आदि पुरुष मूवी 2023 में सीता की भूमिका में ये दिखाई देंगी, जिसमें जो है प्रभास और सैफ अली खान होंगे सह कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं और वह तेलुगु भाषा की फिल्म अलवैकुंटा परु मूवी के रीमेक में शहजादा कार्तिक इन साथी आर्यन के साथ फिर से दिखाई देंगी और वह यानी कि अनुराग कश्यप की थ्रिलर फिल्म में भी दिखाई देने वाली है।
दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म को 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों से अच्छी समीक्षाएं मिली थी और अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी, लेकिन कहानी और पटकथा खराब, चरित्र विकास के लिए लेखन इन साथी जो है कि अनावेक्षित कॉमेडी और कमजोर कार्रवाई की आलोचना भी की गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बी प्रकाश द्वारा गाए गए गीत मेरी जान ने लोकप्रियता हासिल किया। बताया दोस्तों बच्चन पांडे को शुरू में तमिल भाषा में और साथ ही फिल्म जो है विरम का रिमेक बनाया जाना था, लेकिन फिल्म के निर्माता मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा की रिमेक बनाई जा रही है। दोस्तों वहीं पे बात करें फिल्म के शीर्षक के बारे में, तो मूवी के शीर्षक को लेकर 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है, क्योंकि शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। बता दें दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई थी और साथ ही साथ 6 जनवरी 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा किया गया था। बताया दोस्तों बच्चन पांडे पहले 1 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण इसे 22 जनवरी 2021 तक बदल दिया गया था। फिल्म अंततः 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। अब ये फिल्म 15 अप्रैल 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग किया गया था। उपग्रह अधिकार जी सिनेमा द्वारा भी अधिग्रहित किए गए हैं। बता दें दोस्तों मूवी को रिलीज होने के बाद कुछ अच्छे रिस्पॉन्स तो नहीं मिले, लेकिन रिलीज होने पर बच्चन पांडे को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है यानी कि ऑन यानी कि स्टॉप के साथ मनोरंजन में, पटकथा के साथ अक्षय कुमार एक्शन में उत्कृष्ट दिखते हैं, बड़े पैमाने पर भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। कट्टर मनोरंजन की तलाश करने वालों के साथ उद्देश्य से पर्याप्त ताली और सिटी के क्षण इसमें रखे गए हैं, जो कि जनता के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बता दें दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और इसे अजीब और साथ ही घिसे पीटे चरित्र की एक जो है कि अराजक जो है करार दिया है। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 13.25 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया, तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया था और पूरे एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने एक हफ्ते में 37.25 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया। इसी तरह 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49.98 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 9.11 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था। फिल्म को द कश्मीर फाइल से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाई थी। बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैंने मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने यह बताया कि बच्चन पांडे मूवी तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रिमेक होने वाला है। शीर्षक मूवी के 2018 की एक्शन फिल्म टशन में जो है टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है। शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे फिल्म लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफर 6 जनवरी 2021 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, जो कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई है, लेकिन फिल्मांकन 6 जनवरी से शुरू हो गया है और जुलाई 2021 में इस मूवी शूटिंग जो है पूरी कंप्लीट कर दी गई है। और फिल्म का संगीत अमाल मालिक के बैनर के तहत बनाए गए हैं। अमाल मालिक, बी प्रकाश, जानी विक्रम और मोटर्स के राय के तहत इस फिल्म के संगीत को बनाया गया है, जबकि गीत कुमार जानी फरहाद और भंडी फरहाद भिवंडी वाला, विक्रम मोटोस और अजीम दाइनी द्वारा लिखे गए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है जूलियस बेकियम द्वारा रचित किए गए हैं। मूवीज़ की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रीमेक है, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। जिगर ठंडा मूवी में भी आपको सेम कहानी देखने को मिल जाते हैं और इसी नाम की इस फिल्म को नाम को चेंज करके बच्चन पांडे फिल्म को बनाया गया है बॉलीवुड के अंदर। दोस्तों अब साउथ इंडियन की जो मूवी है उसकी तरफ बॉलीवुड में कई सारी फिल्में आपको जो है देखने को मिलते हैं। फरहाद सामजी फिल्म के डायरेक्टर हैं, फरहाद सामजी ने ही इस फिल्म की कहानी को लिखे हैं। साजिद नदीदवाला फिल्म के प्रोड्यूसर है। कहानी बेस्ड जिगर ठंडा मूवी से रिमेक है। दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार सर के फैन हैं और बच्चन पांडे मूवी का इंतजार कर रहे थे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं
2022-18 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। आज से लगभग 10 दिन बाद ये मूवी इंडिया में रिलीज होने के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर दिया गया है। बच्चन पांडे जब मूवी रिलीज होगी तो हम देखेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई करता है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बच्चन पांडे मूवी को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए आज का दिन बेहद जो है खास है, क्योंकि आज अक्षय कुमार की मोस्ट अवेंटेड फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रिलीज होने जा रहा है और रिलीज हो चुका है। इससे पहले फिल्म के कई जो है पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और उन्हें फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें कि बच्चन पांडे का ट्रेलर आज सुबह 10:40 रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की इस फिल्म का ट्रेलर देखने से पहले ही लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया है, मानना शुरू कर दिया है, तो कुछ लोग जो है इसका बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर इस समय जो है सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है ट्रेलर को। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिल्म का ये तो ट्रेलर जो है देखने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था तो ट्रेलर को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, फिल्माया गया है, और फिलहाल में ये तो ट्रेलर जो है देखने के बाद ही पता चलेगा कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे पोस्टर की तरह धमाकेदार होगा या नहीं। अक्षय कुमार की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं लोग, और उनका कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म है। एक यूजर ने लिखा है बॉलीवुड का गॉडफादर आ रहे हैं। तो अक्षय कुमार ने लिखा है, अगर यह फिल्म आलिया की साथी गंगूबाई कठैया वादी से ज़्यादा कमाई करती है तो अक्षय कुमार के लिए बड़ी बात होगी, वरना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गंगूबाई कठैया वादी फिल्म से ये बिल्कुल जो है टक्कर खा रही है। और गंगूबाई कठैया वादी फिल्म आप लोग को पता है कि बहुत पहले से अनाउंसमेंट किया जा रहा था और मूवी दोनों एक साथ ही रिलीज हो गया, और ये दोनों फिल्मों में देखेंगे कि हम कौन सी मूवी ज़्यादा कमाई करता है। इस फिल्म को 18 मार्च 2022 इंडिया के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप बच्चन पांडे फिल्म के लिए बेचैन हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के कुछ हिस्टोरी के बारे में। फिल्म में कौन सी हिस्टोरी को बतलाया गया है हम आपको बता दें, जिगर ठंडा मूवी की रिमेक इस फिल्म में बनाया गया है, तो कहानी आपको इसी की हम सुनाते हैं, क्योंकि अभी कहानी आपको देखने को मिलेगा नहीं अक्षय कुमार सर की इस फिल्म की, तो कहानी में हो सकता है कुछ चेंजेस भी किया गया होगा, लेकिन फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और पोस्टर भी इस मूवीज़ के देखने लायक है। दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे बच्चन पांडे मूवी की। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप अक्षय कुमार सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिगर ठंडा फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था और फिल्म में इसी तरह की कहानी को बतलाया गया है। इस फिल्म में कीर्ति शुभर, मान्यम सिंह जो है इस फिल्म में अभिनय के थे, सिद्धार्थ का लघु फिल्म निर्माता है और एक फीचर फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं। इस फिल्म में बिल्कुल सेम हो रहा है, यहाँ पर कीर्ति सेनन जो है पिक्चर बनाना चाहती है, वह एक प्रतिभा खोज कार्यालय में भाग लेते हैं। जैसे ही वहाँ पर नलाया यानी कि इक्या कुमार और साथी उनके साथ जो है मेसी फाई मिलते हैं। शो के दो जजों में एक जो है यानी कि हाई प्रो फिल्म निर्देशक जो है मुकेश नासर शामिल हो जाते हैं, जो फिल्म निर्माण में कार्तिक के प्रयास को खारिज कर दिया जाता है, और एक लाभ जो है यानी कि अनुमुख निर्माता सुंदर अदू कलाम नरेन जो मुकिल के खिलाफ है और घोषणा करता है कि कार्तिक ने प्रतियोगियों के बीच जो है सबसे अच्छी फिल्म बनाई है। हालांकि मुकिल कार्तिकों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। सुंदर कार्तिक के साथ जो है निर्देशन के रूप में एक फिल्म का निर्माण करने की पेशकश करते हैं। वह दोनों आज शो से बाहर हो गए हैं और अगले दिन सुंदर नाराज हो जाता है, क्योंकि कार्तिक ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उससे मिलने आया था उसी स्क्रिप्ट में रुचि नहीं रखता है जिसे कार्तिक फिल्माना चाहता है, और इसके बजाय वह जो सुझाव देता है कि वह नायक जो है यानी कि थलापति द गॉडफादर आदि के शैली के साथ जो है एक गैंगस्टर फिल्म बनाना चाहता है। सेम इसी तरह की कहानी आपको जो है उस फिल्म में देखने को मिलेगी, बच्चन पांडे फिल्म में भी थोड़े से चेंजेस के साथ। फिल्म में एक गैंगस्टर के ऊपर कहानी को बनाया जाता है और एक गैंगस्टर जो है तलाश किया जाता है, जो अक्षय कुमार इस फिल्म में बच्चन
पांडे के किरदार में नजर आए सुझाव को दिल से लिया जाता है और दस्तावेजीकरण पर अपना दिमाग जो है लगाते हैं। एक गैंगस्टर का जीवन और उसमें से एक फिल्म की पटकथा बनाना चाहते हैं। अपने ही पत्रकार चाचा गजराज की मदद से कार्तिक को मदुरै शहर में एक जो है क्रूर गैंगस्टर अलाल्ट यानी सेतु से मिलते हैं और ये सेतु के जगह यहाँ पे आपको अक्षय कुमार मिलेंगे बच्चन पांडे के रूप में। बेबी सीमा के बारे में पता चलता है और वह सेतु के जीवन के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। वह मदुरै की यात्रा करते हैं और सेतु और उसके जो है यानी कि आदमियों पर निगरानी रखने के लिए एक जो है अनिच्छुक कॉलेज के मित्र उरानी करुणाकरण की मदद लेते हैं क्योंकि कार्तिक और उरानी सेतु से सीधे ही संपर्क करने से डरते हैं। इसलिए वह सेतु के दो शीर्षक गुर्गों के साथ जो संपर्क विकसित करने की योजना बनाते हैं। वह एक पुराने दुकानदार पेटी कढ़ाई और साथी पजामी जो है संगी गली मुर्गा दास से मिलते हैं जो कि वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सेतु के बचपन से ही आसपास रहा है। सेतु के करीब आने के कार्तिक जो है कार्तिक कायल विड्डी लक्ष्मी मेनन के प्यार का बदला लेने का एक कार्य भी करते हैं जिसकी माँ अंबिका सेतु के लिए खाना बनाती है। सेतु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उनके जो है विभिन्न प्रयासों के कारण वह सेतु के दाहिने हाथ वाले राशु और साथ ही रामचंद्र दुरैजा के संदेह को जगाते हैं जो कार्तिक और उरानी को देखने के लिए एक साउंडर सेथिल कुमार रखते हैं और साउंडर कार्तिक के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं और कार्तिक अपने ही यानी कि ट्रोस्टा का इस्तेमाल म्यूजिक प्लेयर में वायरल और माइक्रोफोन लगाने के लिए करते हैं जिससे वह साउंडर को उधार देते हैं और साथ ही घटनाओं के एक ट्यूरेट मोड में साउंडर का एक विरोधी ग्रोह के लिए एक तिल के रूप में यानी कि वडाफोर्ड किया जाता है और उसे जो है मार दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, अक्षय कुमार की ये मूवी 18 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम जिगर ठंडा मूवीज़ की कहानी को बता रहे हैं क्योंकि कहानी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे फराज सामजी सर और फिल्म की कहानी फराज सामजी सर ने ही लिखी है। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला। जिगर ठंडा मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। कीर्तिक शोभराज व इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। साजिद नदीदवाला मूवीज़ के प्रोड्यूसर है और फिल्म के मुख्य स्टार करते हैं अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी ने फिल्म में अभिनय किए हैं। मूवीज़ को अनाउंसमेंट कर दिया गया है 18 मार्च 2022 को ये मूवी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को AA Film NG स्टूडियोज़ के बैनर के तहत मूवीज़ को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं तो चलिए इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कीर्ति सनोन मैम के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बतला दें कि कीर्ति सनोन अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है और इनको अब तक जो है कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। फ्रेंड अगर आप कीर्ति सनोन मैम के फ़ैन हैं, इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बच्चन पांडे फिल्म के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सबसे पहले कीर्ति की जन्म के बारे में हम बात करें तो 27 जुलाई 1990 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बता दें कि इन्होंने बच्चन पांडे फिल्म में अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड के किरदार में नज़र आई हैं और बच्चन पांडे मूवी मुझे लगता है 2022 की सबसे धमाकेदार मूवीज़ होने वाला है क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, अच्छा रिस्पांस मिला है। पोस्टर काफ़ी खतरनाक रिलीज किए गए हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में पोस्टर तो देखने को मिल रहे होंगे और इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं वो भी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कीर्ति सनोन का जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी में काम किया था और अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सनोन ने सबीर खान की एक्शन कॉमेडी रोमांटिक हीरोपंती फिल्म 2014 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता जिसने हिंदी सिनेमा में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया था। सनोन ने तब जो है व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में काम करने लगी। 2017 में उन्होंने लुक्का छुपी फिल्म में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने अभिनय किया और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी कॉमिक एक्शन रोमांस दिलवा फिल्म थी जो 2015 में रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान ने अभिनय किए थे और
कॉमेडी हाउस फुल फोर मूवी 2019 के साथ आई थी। उसने कपड़ों की अपनी लाइन भी शुरू किया है जो कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करता है और फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है। कीर्ति म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी है। कीर्ति सनन का जन्म 27 जुलाई में हुआ था 1990 को। नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल सनन के घर में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी साथी प्रोफेसर गीता सनन के घर में जन्मी थी। उनका परिवार पंजाबी है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में पढ़ाई किया है और बाद में जो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन में अपनी दाखिला ली है। दोस्तों वीडियो में बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे, बता दें कि बच्चन पांडे मूवी की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 18 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सनन है इस मूवीज में और मूवीज की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रिमेक को बनाया गया है। कीर्ति सनन ने सबसे पहले 2014 में सुकुमार सर की तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी जो है ननोकादिन से एक पत्रकार के रूप में की शुरुआत की, जो महेश बाबू के चरित्र गौतम की प्रेम रुचि है। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा है कि कीर्ति सनन सुंदर दिखती है और अच्छा अभिनय करती है, जबकि sifi.com के एक समीक्षक ने कहा है कि वह खूबसूरत दिखती है और भी अच्छी फिल्मों में नवोदित और नवागंतुक के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उसी वर्ष बाद में कीर्ति सनन ने डेब्यूटेंट टाइगर श्रॉफ के साथ शब्बीर खान के एक्शन रोमांस हीरोपंती फिल्म में माध्यम से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत था, लेकिन फिर भी यह मूवी आश्चर्यजनक सफलता मूवी थी। इसने दुनिया भर में 726 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 9.6 मिलियन की कमाई किया था। फिल्म ने बॉलीवुड हंगामे के तरन अदर्स ने लिखा है कि कीर्ति सनन खूबसूरत दिखती है फिल्म में और अपने हिस्से को निश्चिंता से अभिनय करती है और आत्मविश्वास के साथ संभालती है अपने करेक्टर को। और यह भी कहा उन्होंने उसके पास एक स्टार की टैंपिंग है, जो एक स्टार बनने के उनमें सारे गुण भरे हुए हैं। जबकि राजीव मंसद सर ने कहा है कि वह प्यारी दिखती है फिल्म में और अपने दिमाग के बावजूद एक जो है छाप छोड़ती है और भूमिका अच्छी तरह से निभाती है। इसके विपरीत द टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना दास ने कहा है उनकी भावनाओं की आलोचना करते हुए इसे साथी जो है इनकी तीक्ष्ण से अधिक जो है आकर्षण कहा गया है। सनन ने 2015 के शुरुआत में अपनी ही दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा के अपराध नाटक जो है दो चाय में नागा चैतन्य सर की सह अभिनीत के रूप में उन्होंने वरुण धवन, शाहरुख खान और काजोल के साथ रोहित शेट्टी के हास्यपूर्ण एक्शन रोमांस दिलवाले फिल्म में अगली कास्ट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया है, जिसने 3.72 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। दुनिया भर में फिल्म ने अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सनन और धवन जो है चारा के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। पूरे 2016 में स्क्रीन से अनुपस्थिति के लिए एक वर्ष के बाद सनन ने निर्माता दिनेश विजन के साथ जो है मिलकर कई फिल्मों में से पहली बार अपने निर्देशन में बनी राप्ता में काम किया, जिसमें जो है उन्होंने और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार क्रॉस यानी प्रेमी के रूप में देखा गया था, जो कि पुनर्जन्म लेते हैं। एक तीखी समीक्षा में rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को साथी जोहर के शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया, लेकिन कीर्ति सनन की प्रतिमा उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया गया था। फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही तरह से फ्लॉप रही थी और मूवी को कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को। अगर आप लोग बच्चन पांडे फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म होने वाला, क्योंकि मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 18 मार्च को ये मूवी इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। दोस्तों मूवीज़ की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रिमेक बनाया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के किरदार में फिल्म में नजर आए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला, जो आपको ये मूवी अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों वीडियो में हम मूवी के रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी में बेहतर जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जो है जिद्दी ग्रामीण भारतीय महिला के रूप में कीर्ति सनोन के अब्बाद के चित्रण को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म में जिसमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फ्रांसिस लेखक था और साथ ही निकोल्स बेरू के उपन्यास द साथ ही जो है यानी कि इंग्रेड डिएटर्स ऑफ लव के रूपांतरण फिल्म में उनके विपरीत जो है अभिनय किया था। NDTV की सैबल चटर्जी ने कहा है कि बरेली की बर्फी के काम का बोझ है कीर्ति सनोन पर है और वह गलत नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता मैम ने कहा है कि उनके बारे में सोचा कि कीर्ति सनोन के प्रयास के बावजूद जो है उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता की कमी थी और इसमें अपने ही 200 मिलियन NUC में कन्वर्ट किया जो 2.7 मिलियन बजट के मुकाबले 548 मिलियन तक फिल्म ने कमाई किया था। USA में कन्वर्ट किया जाए तो 7.3 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 2018 में उनकी एकमात्र उपस्थिति अमर कौशिक की कॉमेडी हॉरर फिल्म शत्री में आओ कभी हवेली पे गीत के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष गीत की उपस्थिति दर्ज की थी जिसे बिजान ने राज साथी निधि मोरू और कृष्णा डीके के साथ जो है मिलकर बनाया था, जिन्होंने फिल्म बनाते समय भी लिखा था। निर्माता के रूप में उनकी शुरुआत किया था 2019 में लुका छुपी फिल्म के एक कार्यक्रम में कीर्ति सनोन और कार्तिक आर्यन सर एक साथ नजर आए थे। कीर्ति सनोन ने 2019 में बिजन के साथ दो फिल्मों में काम किया जिनमें से पहली सिनेमाटोग्राफर मूवी लक्ष्मण उट्टेकर की हिंदी निर्देशक वाली पहली फिल्म चुका लुका छुपी मूवी थी जो कि लिव इन और साथ ही रिलेशनशिप पर एक व्यंग मूवी थी जिसमें उन्हें कार्तिक आर्यन के साथ जो है जोड़ा गया था। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा है कि कीर्ति सनोन पूरी तरह से जो है यानी कि सहज दिखती है और ऐसा लगता है कि वह कॉमेडी में अपना पैर जमा रही है। इसी प्रक्रिया में सभी का एक जो है शानदार समय है। एक सुपरहिट लुका छुपी फिल्म ने 1.29 बिलियन का विश्व संचय किया था। मूवी हिट रही थी और 17 USD में कन्वर्ट किया जाए तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई का उन्होंने रोहित जो है जुगराज की इस फूड कॉमेडी अर्जुन पटियाला में फिर से जो है यानी कि बिजान के साथ सहयोग किया जिसमें जो है दिलजीत दोसांझ ने मुख्य किरदार निभाए थे और मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो कि नायक की प्रेम रुचि के रूप में कार्य करता है और बाद में एक विशेष गीत की उपस्थिति के बाद जो है साजिद नदीदवाला के साथ मिलकर काम किया था। फरहाद सामजी की पुनर्जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 पर जो है कलंक जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक राजकुमारी और लंदन के एक जो है अमीर व्यवसायी की बेटी की दोहरी भूमिका निभाई जिनके साथ वह मूल रूप से हाउसफुल 4 फिल्म में अभिनय किए थे। इन्होंने हाउसफुल 4 फिल्म में अभिनय किए थे। हाउसफुल 4 पर कलंक के एक जो है विशेष गीत की उपस्थिति के बाद साजिद नदीदवाला सर के साथ जो है मिलकर काम किया गया था जिसमें उन्होंने एक की दोहरी भूमिका निभाई थी। राजकुमारी लंदन के एक अमीर व्यवसायी की बेटी अक्षय कुमार के साथ जिनके साथ वह मूल रूप से यानी कि अरसिन इज बिलिंग फिल्म में सहयोग करने के लिए तैयार थी जहाँ से उनकी भूमिका एमी जैक्सन द्वारा भारी पड़ गई थी जब उन्होंने वाले के साथ से ड्यूलिंग संघर्षों के कारण जो है बाहर कर दिया गया था। हाउसफुल 4 फिल्म एक बड़ी सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में 2.8 बिलियन भारतीय रुपए से अधिक की कमाई किया था। उसी वर्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए उन्होंने पानीपत फिल्म की तीसरी लड़ाई पर आधारित जो है आशुतोष गोवारकर के पीरियड ड्रामा पानीपत फिल्म में अर्जुन कपूर की साथ ही सदाशिव राज भाव के साथ जो है यानी कि पर्वत तिवारी की भूमिका निभाई थी। पर्वती भाई की भूमिका फिल्म में निभाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बम के रूप में समाप्त हुआ था। उसी वर्ष कीर्ति सनोन जो है फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी थी जो 80.9 मिलियन NUC में कन्वर्ट किया तो 1.1 मिलियन की अनुमानित वार्षिक आय के साथ जो 38वें स्थान पर इनको जगह मिला था। कीर्ति सनोन ने अगली बार जो है उटेकर के नाटक मिमी फिल्म में अभिनय किया था। मिमी फिल्म में शीर्षक भूमिका निभाई जिसमें उन्हें जो है यानी कि
की समृद्धि पुरी की 2011 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई जो है इनकी वहा चिकी के रीमेक में एक जो है सरोगेट माँ के रूप में इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुआ था। तरण आदर्श ने लिखा मिमी मूवी एक दिल को छू लेने वाली कथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को लक्षित करना है और यह जो है दर्शकों का भरपूर जो है मनोरंजन करती है मूवी और कीर्ति सुनन बहुत ही मनोरंजन प्रदर्शन करती है। यह निश्चित रूप से उनका सबसे कुशल प्रदर्शन है और सभी जो है तिमाही में प्रशंसा प्राप्त करना निश्चित है। और मैसेबल इंडिया ने सनैन के प्रदर्शन को अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। कीर्ति सुनन ने खुद को आगे बढ़ाया और वास्तव में जैसा कि आपको पता है आप उसके साथ फिल्म देखते हैं और सिर्फ आप उसे जो है अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी फिल्म कीर्ति सुनन के लिए हर तरह से प्यारा मूवी था। कीर्ति सुनन की अगली रिलीज मूवी गुजराती मूवी थी। गुजराती निर्माता अभिषेक जैन की पहली फिल्म हम दो हमारे दो थी जिसमें राजकुमार राव थे जिसे जो है बिजान ने भी बनाया था और मूवी सफल रही थी। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे बच्चन पांडे फिल्म को और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को वीडियो में बतला रहे हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो एक्सप्लेन करें बच्चन पांडे फिल्म को जिसे 18 मार्च को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में सेतु को म्यूजिक प्ले में जो है लगे टैप का पता चल जाता है जिसे साउंडर ले जा रहा होता है और जल्दी से कार्तिक और उरानी का पता लगाया जाता है जो सेतु को हाथों मारने के बारे में कार्तिक कबूल करता है कि वह सेतु पर जासूसी कर रहा था ताकि वह नायक और थलपति द गॉडफादर इत्यादि की तर्ज पर अपने ही जीवन के बारे में एक फिल्म बना सके। सेतु उसकी संभावनाओं से अशक्त होता है, जीवन को बड़े पर्दे पर चित्रित किया जाता है और कार्तिक और उरानी को अपने ही गिरोह में शामिल कर लिया जाता है ताकि वह उसके जीवन का दस्तावेजीकरण कर सके। वह और उसके गृह को सदस्य अपने जो है अपराधों पर वर्ग करते हैं और कार्तिक को अपने गृह की गतिविधियों के लिए एक साथ जो है ले जाया जाता है। कार्तिक जो है उल्लास पूर्वक सब कुछ जो है दस्तावेज करता है और खुश हो जाता है कि उसकी पहली फिल्म के लिए उसके पास एक शानदार कहानी है। जब वह मदुरै को सभी आवश्यक जो है जानकारी के साथ जो है छोड़ने के लिए तैयार होता है तो कायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि कार्तिक ने जानकारी दिया है उसका इस्तेमाल किया है और प्रतिशोध किया है। सेतु उसे एक जो है विदाई पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। पार्टी के दौरान कार्यालय टिप्पणी करते हैं कि सेतु को अपने ही जीवन के बारे में साथ ही जो गैंगस्टर फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में काम करना चाहिए। सेतु इसे जो है गंभीरता से लेता है और कार्तिक को धमकाता है कि वह सेतु के साथ स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाते हुए फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और अचानक हुई घटनाओं से साथ ही व्याकुल कार्तिक जो है मदुरै से भागने की कोशिश भी करता है। कार्तिक वहां से अचानक भागने की कोशिश करता है और इसी भूमिका में हुए फिल्म का निर्देशन करे और अचानक हुई घटनाओं से व्याकुल कार्तिक मदुरै से भागने की कोशिश करता है लेकिन सेतु के गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह कार्तिक की फिल्म के निर्माता का अपहरण भी करते हैं और उन दोनों को गैंगस्टर फिल्म बनाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। कार्तिक अनिच्छा से सहमत हो जाता है लेकिन जल्द ही पता चलता है कि सेतु और उसके आदमी कैमरे के सामने अभिनय नहीं कर सकते हैं। वह एक अभिनय कोच मुथु गुरु साथी जो है कि सोम सुंदर को काम पर रखते हैं जो सेतु और उसके आदमियों के लिए एक कठोर शिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। प्रशिक्षण की अवधि के बाद मुथु सोचता है कि जबकि अन्य निराशाजनक है तो सेतु में अभिनय प्रतिभा का कम से कम जो है एक ही हिस्सा है। फिल्म का निर्माण शुरू होता है और कार्तिक सेतु के अभिनय की अयोग्यता से काफ़ी निराश हो जाता है फिर भी वह फिल्म के साथ जो है दृढ़ रहता है
और ब्रेक के बीच जो यानी कि भावनात्मक रोने वाले दृश्यों में मुथु कोश सेतु है। अंत में उत्पादन जो है लपेटा क्या है सेतु और उनके आदमी जो है नौवे बादल पर हैं और फिल्म की रिलीज के लिए एक बड़ी जो है यानी कि धूमधाम पैदा होती है। फिल्म रिलीज होती है और पहले शो के दौरान सेतु को अपनी जान का झटका लगता है। यह महसूस करते हुए कि सेतु की विशेषता वाली एक गंभीर गैंगस्टर फिल्म एक जो है अपादा होगी, कार्तिक ने फिल्म की कहानी को एक कॉमेडी में बदल दिया था। वह सेतु की आवाज़ को इसी तरह से संपादित करता है और डब करता है कि फिल्म सेतु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाती है जो रोते हुए जीवन में सब कुछ जो है हासिल कर लेता है। फिल्म का शीर्षक एक कुमार साथी अजू गुनी कार्य वैभी कुमार के रूप में यानी प्रकट होता है न कि अल्ट कुमार। और जैसा कि आपको पता है सेतु ने सोचा था इसी फिल्म को दर्शकों का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है जिन्होंने हंसते हंसते जो है सिनेमाघरों में आंसू बहा दिया। सेतु दुनिया को मूर्ख बनाए जाने पर पागल है और कार्तिक को खोजता है। हालाँकि कार्तिक और बाबू क्रूज सेतु के गुस्से की आशंका पीछे करते हैं। दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं और मूवी की कहानी कुछ इसी तरह होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। दोस्तों बता दें ये मूवी 18 मार्च को रिलीज होने वाला है। इस वीडियो में हम इस मूवी की हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बता रहे हैं। नवोदित निर्देशक आयरा कृति सुरन फिल्म में गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहती है बच्चन पांडे अक्षय कुमार को चुनती है जो एक क्रूर गैंगस्टर है लेकिन उस पर शोध करने के उसके यानी कि गुप्त प्रयास विफल हो जाता है जब उसकी जासूसी करने के लिए पकड़ी जाती है। बच्चन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल फिल्म बिरम का रिमेक बनाना था लेकिन निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जो है जिगर ठंडा की रिमेक है। शीर्षक 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए एक इसी नाम के एक जो है चरित्र से निकला है। शीर्षक जो है शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे जो है बच्चन पांडे में बदल दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफर मूवी की 6 जनवरी 2021 को जो है साथी जैसलमेर में शुरू हुई थी जो कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई लेकिन फिल्म अंकन 6 जनवरी से शुरू हो गया था और जुलाई 2021 में समाप्त भी हो गया था। फिल्म का संगीत जो है अमला मलिक बी प्रकाश जानी विक्रम और मोटोस और रोय के द्वारा रचित किया गया है जबकि गीत जो है कुमार जानी फरहाद साथी भिंड अभिवंडी वाला विक्रम मोटोस और अजीम जो है दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित किया गया है। मूवी की कहानी काफ़ी हिट थी। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और मूवी से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अक्षय कुमार सर के रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों बतला दें अक्षय कुमार अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। इनकी रियल लाइफ को यहाँ से बतलाते हैं और फिल्मी करियर के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने अब तक जो है कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। अगर आप अक्षय कुमार सर के फ़ैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अक्षय कुमार सर ने राखी और साथी शांति प्रिया मैम के साथ जो है सौगन फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया था। सौगन मूवी 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर व्यास निर्देशक जो है डांसर में अभिनय किया था जिसे खराब समीक्षा मिली थी। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित जो है सस्पेंस थ्रिलर मूवी खिलाड़ी में अभिनय किया था जिसे व्यापक रूप से उनकी सफलता मिली थी और भूमिका माना गया था सफलता भूमिका मिला था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म को एक मनोरंजन थ्रिलर कहा जाता है। अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली बताया गया था। उनकी शारीरिक उपस्थिति मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे।
अक्षय कुमार को उस वक्त जो है मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए उनकी सराहना की गई थी। उनकी अगली रिलीज मूवी जेम्स बॉन्ड फिल्म पर आधारित मूवी राजशिपी धारा निर्देशित जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड मूवी थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज मूवी दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा था। 1993 में उन्होंने डॉक्टर विष्णुवर्धन और साथी अश्विनी भावे के साथ जो है केशु रामसे धारा निर्देशित मूवी द्विभाषी फिल्म जो है अशांत में अभिनय किया था। सन 1993 के दौरान रिलीज हुई मूवी उनकी सभी फिल्में जिनमें जो है दिल की बाजी, साथी कायदा कानून मूवी, वक्त हमारा है और सैनिक मूवी शामिल है, व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए थे। उन्होंने 2 फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनारी मूवी और राजीव रॉय की मोहरा, दोनों ही साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। उसी वर्ष बाद में और सफलता इनको मिला था। दोस्तों बता दें कि मोहरा फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुआ था। उसी वर्ष बाद में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्मित की गई रोमांसीय दिल्लगी फिल्म में काजोल के साथ अभिनय किया था। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा फिल्म की सफलताओं में से एक फिल्म और उनके प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा भरोसेमंद बताया था और उनके प्रदर्शन को अलग किया था। फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। उसी वर्ष के दौरान अक्षय कुमार को सुहाग और कम बजट की फिल्म, एक्शन फिल्म ऐलान जैसी फिल्मों में भी सफलता मिली थी। जो है बॉक्स ऑफिस पे इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धियों ने अक्षय कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता के रूप में इनको स्थापित किया था। सुहाग और ऐलान फिल्म हिट रही थी क्योंकि ये मूवी कम बजट पे बना था, लेकिन मूवीज़ की कहानी लोगों को पसंद आया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इन दोनों फिल्मों को हिट घोषित किया था। दोस्तों इसी तरह अक्षय कुमार सर ने अपने करियर में आगे बढ़े। आपको पता है कि पहले जो इनकी मूवीज़ आई थी वो लगातार फ्लॉप थी क्योंकि मूवी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी नीचे दबे रहे। अक्षय कुमार को सफलता तब मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाने लगा था। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी और एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 के साथ रिलीज हुई और खिलाड़ियों के खेल 1996 में दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने पूर्वा में दोहरी भूमिका निभाई थी। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार घायल हो गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा है कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म अक्षय कुमार की ही थी जिन्होंने गलियारों को पैक किया था और इसमें कोई संदेह नहीं कि टखने की लंबाई के बड़े कोट पहने यानी कि पहनने और भयानक जो है अंडरटेकर के साथ जो है कुश्ती की और फिल्म के साथ जो है चले गए थे। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इनको मिला था। फिल्म में अक्षय कुमार ने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांस मूवी दिल तो पागल है फिल्म में अभिनय किया था। सन 1997 में सहायक भूमिका निभाई थी जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन इसको इन फिल्म से मिला था। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में जूही चावला के साथ अभिनय किया, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी किस्त थी। श्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत यह व्यावसायिक रूप से विफल रही थी। हालांकि रोमांटिक एक्शन फिल्म अफलातून में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली थी और समीक्षक जो है खालिद मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए अक्षय कुमार के प्रयास को मंजूरी दी थी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग जो है करने के लिए, वह इसी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी जो है निम्नलिखित रिलीज व्यावसायिक रूप से विफल रही मूवी और इसके कारण एक जो है उनके फिल्मी करियर को झटका लगा था। 1999 में अक्षय कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ जो है फिल्म में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई थी और उन्हें जो है संघर्ष और जानवर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा भी मिली थी।
जबकि पुरवा ने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी लाभ नहीं कमाया, बाद वाला फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुआ और उसने अपनी ही वापसी को चिन्हित किया था। अक्षय कुमार को जानवर फिल्म से ज़्यादा सफलता नहीं मिला था। जानवर के बाद उन्होंने 2006 में इनको जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ये इन सालों में इन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी मूवी जो है इनकी हिट रही थी। और 2000 के बाद ही इन्होंने जो है कई सारे ऐसे फिल्मों में काम किए जो कि मोस्ट एडवांटेज इन ब्लॉकबस्टर्स साबित हुई थी। 2000 के दशक में अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन धारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फिल्म में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म रामजी राव और संपी रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक मूवी थी, व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हेरा फेरी मूवी जो है रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी और व्यावसायिक रूप से ये मूवी सफल रहा था। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानवीय स्थिति और साथ ही अधीर तवाड़ का गहन चित्रण नोट किया था। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेंद्र दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा धड़कन फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन अक्षय कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया था। रेडीफ डॉट कॉम की समीक्षा में कहा गया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह निर्देशक के अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत किया है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज बोरा द्वारा निर्देशित अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 फिल्म में, जहां वह एक जो है यानी कि दौड़ते हुए विमान पर चढ़ जाते हैं, हवा में एक जो है 1000 फीट जो है उड़ते हुए विमान के ऊपर खड़ा होते हैं और विमान से एक यानी कि मार्ग हवा के गुब्बारे पर कूद जाते हैं। ये जो है काफ़ी खतरनाक स्टंट थे और दीवारों पर चढ़ते हुए भी इनको देखा जाता है। फिल्म में उनके चरित्र के दो नाम थे और उनकी भूमिका को मिश्रित समीक्षा मिली थी। सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि नकारात्मक भूमिका है और अक्षय कुमार के एक साथ जो है नहीं चलते हैं। अक्षय कुमार जो है इनके हास्य शब्द रूप से शीर्षक पर अभिनय करते हैं और कोर को परेशान करते हैं। हालांकि वह शांत और अनंत के रूप में एक जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि एक स्क्रीन के साथी जो है यानी कि पद्मा राज नायर का मानना था कि वह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2001 में उनकी पहली रिलीज मूवी सुनील दर्शन के निर्देशित मूवी ड्रामा एक रिश्ता द वन ऑफ लव मूवी थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म जो है अजनबी फिल्म में एक जो है नकारात्मक भूमिका निभाई थी। रेडीफ.कॉम के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तनवर ने अक्षय कुमार को फिल्म का साथ जो है इनकी पर सरप्राइज पैकेज जो है करार दिया था। उसने कहा कि वह बुरे आदमी के रूप में पूरी तरह से नियंत्रण में थी और फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना फिल्म फेयर पुरस्कार और नामांकन जो है भूमिका में प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार 2002 में इन्होंने जीता था। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे फिल्म को, जिसे 18 मार्च 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम अक्षय कुमार सर की रियल लाइफ को वीडियो में बतला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। 2002 में उनकी पहली रिलीज मूवी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा मैंने भी प्यार किया फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। हाँ मैंने भी प्यार किया मूवी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंचोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल की सह कलाकार जो है विपुल अमृतलाल शाह और साथी जो है इनकी शरंगदेव पंडित द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म थी और आंखें में उनके अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने विक्रम भट्ट निर्देशित जो है कॉमेडी आवारा पागल दीवाना फिल्म में अभिनय किया। रेडीफ.कॉम की फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि हेरा फेरी मूवी एक रिश्ता द वन ऑफ लव और आंखें फिल्म में देखी गई थी। उनकी ईमानदारी और तीव्र लग रही है। वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म जो है राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित जो है सुपर नेशनल हॉरर फिल्म जो है जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें जो है मनीषा कोइराला
सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब शिवदास ने, अरशद वारसी, आदित्य पंचोली, अरमान कोहली थे। यह फिल्म कोहली की पूर्व फिल्म जो है नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। तरण आदर्श ने लिखा है कि केवल मुनीश, अरमान कोहली और अक्षय कुमार एक जो है प्रभाव छोड़ते हैं फिल्म में। 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म जो है टशन द हॉन्ट बिगिनिंग्स में जो है करीना कपूर के साथ अभिनय किया था। फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा है, अक्षय कुमार सादे औसत दर्जे के हैं और भूमिका शायद ही उन्हें कुछ अलग जो है करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राज कंवर द्वारा निर्देशित मूवी रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी और 2003 की पहली सर्वश्रेष्ठ हिट यानी मूवी साबित हुआ था। 2004 में अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय के साथ जो है राजकुमार संतोषी की एक्शन कॉमेडी एक्शन ड्रामा मूवी थ्रिलर में खाकी फिल्म में अभिनय किया था। अक्षय कुमार ने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई थी जो एक भ्रष्ट नैतिक रूप से जो है दिवालिया पुलिस वाला है और एक आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉक्टर जो है इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी द्वारा अभिनीत को जो है महाराष्ट्र के एक जो है यानी कि दूरस्थ शहर में मुंबई स्थानांतरित करने के मिशन के दौरान खुद को जो है बदल लिया जाता है। आलोचकों द्वारा फिल्म और अक्षय कुमार के अभिनय की सकारात्मक समीक्षा की गई थी। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज फिल्म में दिलीप शुक्ला की अपराध फिल्म पुलिस फोर्स इन साइड मूवी स्टोरी शामिल थी। उन्होंने रवीना टंडन, अमरीश पुरी और राज बब्बर के साथ अभिनय किया। मुख्य अभिनेताओं रवीना टंडन और अक्षय कुमार के ब्रेकअप के बाद फिल्म के निर्माण में देरी हुई थी। फिल्म रिलीज होने पर इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद अक्षय कुमार ने मधुर भंडराकर द्वारा निर्देशित जो है ऑन मैन एक जो है वर्क में एक आईपीएस अधिकारी हरि ओम जो है पटनायक की भूमिका निभाई। वो इस फिल्म में अभिनय किया था। दोस्तों वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम बातें कर रहे हैं अक्षय कुमार सर की मूवीज़ के बारे में। दोस्तों इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया, इन सब चीज़ों की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगली बार उन्होंने मुझसे शादी करूंगी फिल्म में अभिनय किया था जो प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने सनी समीर एन खान धारा जो अभिनीत के और साथी रूम मेट की भूमिका इन्होंने निभाई थी जो रानी चोपड़ा धारा अभिनीत की गई समीर की प्रेम रुचि के पीछा करते हैं। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। तरुण आदर्श ने अक्षय कुमार की प्रशंसा की और लिखा कि अक्षय कुमार एक जो है यानी कि रहस्योद्घाटन है। वह अपने ही पिछले काम से आगे निकल जाते हैं। उसका जो है समय शानदार है और जिस दृढ़ यानी विश्वास के साथ वह अपने व्यक्तित्व में बुराई की लकीरों को दूर करते हैं इसके बारे में दिनों में बात की जानी चाहिए और आने वाली मूवी जो है फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार में सहायक अभिनेता के लिए अपना तीसरा नामांकन अर्जित किया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका के लिए नामांकन दिलाया गया था। उनके अन्य फिल्म में अब्बास मस्तान निर्देशित जो ऐतराज़ फिल्म और एसएम जो यानी कि इकबाल में मेरी बीवी का जवाब नहीं शामिल थी और पूर्वा में अक्षय कुमार ने साथी टाइप के खिलाफ जो है एक कार्यक्रम के रूप में खेला जिस पर जो है प्रियंका चोपड़ा धारा निभाई गई। उसकी जो है महिला अब्बास की जो है धारा यौन उत्पीड़न का गलत जो है आरोप लगाया गया था। निर्देशकों के अनुसार ऐतराज जो है यानी कि बास्केटबॉल एसोसिएशन के खिलाड़ी जो है यानी कि कोबे ब्रांड और जिस पर जो है एक प्रशंसक जो है धारा अलगता के आरोप लगाया गया था और प्रेरित किया गया था। वह फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। दोस्तों बता दें ऐतराज मूवी साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ था। इस वीडियो में हम ऐतराज मूवी की भी बातों को बता रहे हैं और बच्चन पांडे मूवी की भी रिव्यू कर रहे हैं। सुफिन ऐतराज मूवी एक अलग जो है काफ़ी ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी जो कि एक एक्शन मूवी तो नहीं थी। इसमें जो है एक
एक जो है यानी कि बास्केटबॉल और एसोसिएशन के खिलाड़ी जो है यानी कि कोबी ब्रायंट, जिस पर जो है एक जो है प्रशंसक द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया जाता था और मूवी प्रेरित थी और फिल्म का विकास तब शुरू हुआ जब उन्होंने अखबारों में उसके यौन हमले के मामले के बारे में पढ़ा और चरित्र के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि यह जो है यथार्थवादी है और इसे नए ज़माने के साथ ही मोटरसाइकिल और आदमी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐतराज मूवी उनके द्वारा की गई सबसे बोल्ड फिल्म थी। बाद में उन्होंने श्रीदेवी के साथ अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग 1994 में हुई थी लेकिन मूवी 10 साल की देरी के बाद 2004 में रिलीज हुई थी। अगले साल अक्षय कुमार ने धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित मूवी रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म बेवफा में करीना कपूर के साथ अभिनय किया था। उन्होंने राजा की भूमिका निभाई थी। एक महत्वाकांक्षी जो है इनके संगीतकार जो कि आदित्य सहायक अनिल कपूर द्वारा अभिनेश से शादी करने के बाद भी अपनी जो है प्रेम रुचि अंजलि जो है करीना कपूर द्वारा अभिनीत का पीछा करता है। फिल्म समीक्षक से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन अक्षय कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया था। इंडिया टुडे की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि करीना कपूर और अक्षय कुमार बाहर खड़े हैं और तरुण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार एक जो है ऐसी भूमिका में अच्छा करते हैं जो उन्हें दस्ताने की तरफ ही बैठता है। उसी वर्ष बाद में उन्होंने विपुल अमृत लाल शाह के विपरीत नाटक वक्त द रेस जो है यानी कि अंगेश टाइम में जो है अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। एक और प्रिया दर्शन निर्देशित मूवी जॉन अब्राहम सर के साथ कॉमेडी गरम मसाला फिल्म में अभिनय किया और साथ ही वक्त द रेस जो है अंगेश टाइम में एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। फिल्म और अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया जो कि मिश्रित समीक्षा मिली थी। और विशाल डिसूजा ने लिखा है कि अक्षय कुमार एक लेखक और समार्थी भूमिका निभाते हैं। फिल्म में एक भावनात्मक बोझ को अधिक जो है लेकर चलते हैं। हालांकि वह उदास रोने वाले दृश्यों में स्पष्ट रूप से असहज है। फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर जो है यानी कि सफल रही और बाद में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उनकी अन्य फिल्मों में विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित की गई एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म जो है दीवाने हुए पागल और सुनील दर्शन द्वारा जो है यानी कि निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा दोस्ती और फ्रेंड्स में जो है उनके शामिल थे। पूर्वा में उन्होंने शामिल कपूर जो है यानी कि शाहिद कपूर और सुनील शेट्टी और रिमी सेन के साथ आलिया अभिनय किया था और जबकि बाद में उन्होंने करीना कपूर के साथ अभिनय किए थे। अक्षय कुमार की मूवी 2006 की पहली रिलीज मूवी राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित ड्रामा फैमिली टाइज ऑफ वर्ल्ड मूवी थी, जिसके बाद सुनील दर्शन की मेरे जीवन साथी मूवी और राज कंवर की हमको दीवाना कर गए थे। इसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी की अगली कड़ी में अभिनय किया था। जैसा कि पहले मूवी रिलीज हुआ था, अगली कड़ी बॉक्स ऑफिस में एक बड़ी सफलता बन गई। उसी वर्ष बाद में उन्होंने शरीर कुंदर धारा निर्देशित रोमांटिक संगीत फिल्म जो है जाने मन में सलमान खान और प्रीति जिंदा के साथ अभिनय किया। फिल्म एक जो है बहुप्रतीक्षित मूवी रिलीज थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद जो है बॉक्स ऑफिस पे उम्मीद के मुताबिक जो है प्रदर्शन नहीं किया था। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। Rediff.com के विद्या प्रधान ने इसे जो है यानी कि विचित्र फिल्म कहा। उन्होंने प्रिया दर्शन की कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री फिल्म जो है यानी कि भागम भाग फिल्म के साथ जो है भागम भाग मूवी के साथ साल अंतर किया था। उन्होंने लारा दत्ता और गोविंदा और परेश रावल के साथ जो अभिनय किया और एक थिएटर अभिनेता का किरदार निभाया। फिल्म को मिली जुली समीक्षा मिली थी। Rediff.com ने अक्षय कुमार को फिल्म का असली हीरो कहा था। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। उसी वर्ष उन्होंने साथी सितारों और सैफ अली खान के प्रति जिंता और सुष्मिता सेन और साथी जो है सेलिना जेटली के साथ हिट 2006 विश्व दौर का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर से अक्षय कुमार ने 2007 में वेलकम फिल्म में अभिनय किया। 2007 के उद्योग में अपने करियर के दौरान अक्षय कुमार का सबसे सफल वर्ष साबित हुआ था और जैसा कि बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों द्वारा वर्णित किया गया है, शायद ही किसी अभिनेता द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे अच्छा यानी कि चार जो है एक मुफ्त हिट मूवी कोई भी फ्लॉप नहीं हुई थी। उनकी पहली रिलीज मूवी विपुल अमृतलाल शाह द्वारा
विपुल अमृत लाल साधारण निर्देशित जो है नमस्ते लंदन समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया था। समीक्षक तरुण आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, वह इस फिल्म में एक जो है शानदार चित्रण के साथ जो है लाखों फिल्म दर्शकों का दिल जीतने के लिए निश्चिंत है। मुख्य अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ जो अक्षय कुमार की केमिस्ट्री ने भी निकहत जो है इनकी काजमी के साथ जो है अपार और साथ ही सराहना किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी जोड़ी को ताजा करने वाला बताया। उनकी अगली दो रिलीज मूवी साजिद खान द्वारा निर्देशित है बेबी और प्रिया दर्शन की भूल भुलैया मूवी थी और भूल भुलैया फिल्म ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार सर की रियल लाइफ को। इस वीडियो में हम इस मूवी की कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों हम बात करें बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू के बारे में और इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अक्षय कुमार की 2008 की पहली फिल्म विजय कृष्णा आचार्य द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर मूवी टशन ने 11 साल बाद यशराज फिल्म के बैनर में वापसी किया था। हालांकि एक जो है सर्वेक्षण बॉलीवुड हंगामा द्वारा आयोजित ने इसे वर्ष की सबसे प्रतिष्ठित रिलीज का नाम दिया था। फिल्म ने भारत में 279 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 3.7 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर कम प्रदर्शन किया। उनकी दूसरी फिल्म जो है बज्मी द्वारा निर्देशित सी इज किंग मूवी जिसमें उन्होंने कैफ के साथ अभिनय किया था बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी सफलता मूवी थी और ओम शांति ओम के पहले हफ्ते के विश्वव्यापी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था जो पिछले जो है उच्चतम और आंकड़ा था। उनकी अगली फिल्म जो है एनिमेटेड फिल्म जंबो में थी जिसका निर्देशन जो है स्वाति कॉम्पिंग और किम गुमिन ने किया था। इसी साल जो अक्षय कुमार ने सफल शो कियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के मेजबान के रूप में छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी। बाद में 2009 में शो के दूसरे सीजन की मेजबानी करने के लिए वापस लौट आए थे। सन 2009 में अक्षय कुमार ने वार्नर ब्रदर्स द्वारा और रोहन सिप्पी द्वारा निर्मित की गई चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में अभिनय किया। फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ अभिनय किया था। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। अक्षय कुमार की अगली रिलीज मूवी एक्स टेन तस्वीरें थी जो कि साथी नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित किया गया एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी जो व्यावसायिक रूप से विफल रही थी। उनकी अगली रिलीज मूवी शब्बीर खान की सेक्स ऑफ द सेक्स कॉमेडी और साथ ही कमबख्त इश्क मूवी थी। लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया यूनिवर्स स्टूडियो में शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई थी और इसमें हॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा कैमियो की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब रूप से प्राप्त किया गया था लेकिन यह एक जो है आर्थिक सफलता फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में 840 मिलियन से अधिक की कमाई किया। यूएसए में कन्वर्ट करते 11 मिलियन से अधिक की कमाई की। अक्षय कुमार की फिल्म बल्लू फिल्म 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई। बल्लू को नकारात्मक समीक्षा मिली और उसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 420 मिलियन का संग्रह किया। 2009 में उनकी आखिरी रिलीज मूवी प्रिया दर्शन की दे दनादन मूवी थी। उन्होंने कैटरीना कैफ सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ अभिनय किया। अक्षय कुमार ने एक नौकर की भूमिका निभाई जो अपने ही मालिक के कुत्ते का अपहरण करने की योजना बना रहा है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिला था। इसके बाद उन्होंने साजिद खान द्वारा निर्देशित 2010 की कॉमेडी हाउसफुल फिल्म में दिखाई दिए जिसने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन रहा था और हासिल किया था। अक्षय कुमार की अगली रिलीज मूवी प्रिया दर्शन द्वारा निर्देशित खट्टा मीठा मूवी थी जो एक औसत ग्रॉसर मूवी थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली थी और CNN IPN के राजीव मंसद ने इसे साथ ही जो है यानी कि सिजो ग्रेफिनिक फिल्म कहा था। वह विपुल शाह की एक्शन रिप्ले फिल्म में दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पे असफल रही थी। फिल्मों के ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। उनकी 2010 की आखिरी फिल्म 30 मार खान थी। फरहान खान द्वारा निर्देशित फिल्म को खराब आलोचनात्मक समीक्षा मिली थी और यह एक व्यावसायिक विफलता मूवी साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे।
इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों मूवी की अनाउंसमेंट कर दिया गया, इस फिल्म को 18 मार्च को रिलीज किया जाएगा इंडिया के अंदर। अक्षय कुमार इस फिल्म में बच्चन पांडे के किरदार में नजर आ रहे हैं, कृति सनोन मायरा देवेकर के किरदार में नजर आएंगी, जैकलिन इस फिल्म में सपोही के किरदार में नजर आएंगी, सोपी ही जो कि इस फिल्म में दो एक्ट्रेस को लिए गए हैं, जैकलिन एंड कृति सनोन इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री है। अक्षय कुमार बच्चन पांडे के किरदार में एक गैंगस्टर के रूप में फिल्म में नजर आएंगे। ये मूवी जिगर ठंडा मूवी की रिमेक होने वाला है। जिगर ठंडा फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था और ये मूवी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म था। दोस्तों वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं जिगर ठंडा मूवी की कहानी को और इस मूवी की कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। बच्चन पांडे मूवी की पूरी तैयारी हो चुकी है, रिलीज डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दोस्तों बतला दें कि बच्चन पांडे की जो ट्रेलर को रिलीज़ किया गया था उसको काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। फिल्म के डायरेक्टर हैं फराज साम जी और फिल्म के राइटर भी फराज साम जी ही हैं। इस फिल्म की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रिमेक लिखा गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन एन, अरशद वारसी ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के फैंस के लिए आज का दिन जो है बेहद खास है क्योंकि आज अक्षय कुमार की मोस्ट एवेंटेड फिल्म जो है बच्चन पांडे का ट्रेलर जो है रिलीज किया गया था। बच्चन पांडे फिल्म की मोस्ट अवेंडेड फिल्म जो है बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज होगा जो कि इससे पहले फिल्म के कई जो है पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और उन्हें फैंस का अच्छा रिस्पांस भी मिला है। आपको बता दें कि बच्चन पांडे फिल्म का ट्रेलर आज सुबह 10:40 रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की इस फिल्म का ट्रेलर देखने से पहले ही लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसका बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं बच्चन पांडे को लेकर। इस समय जो सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। मिली जुली जो है लोकप्रियता मिली है फिल्म को बच्चन पांडे को लेकर, ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। साथ ही इस फिल्म में फिलहाल जो है ये तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा कि अक्षय कुमार सर की बच्चन पांडे पोस्टर की तरह जो है धमाकेदार होगी या नहीं। फैंस अक्षय कुमार की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक यूजर ने लिखा है कि बॉलीवुड का गॉडफादर आ रहे हैं, तो एक यूजर ने लिखा है कि अगर यह फिल्म अक्षय कुमार की गंगूभाई काठियावाड़ी फिल्म से ज़्यादा कमाई करती है तो अक्षय कुमार के लिए बड़ी बात होगी वरना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। गंगूभाई काठियावाड़ी फिल्म भी इसी समय रिलीज होने वाला है। दोस्तों बता दें गंगूभाई काठियावाड़ी मूवी की भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है और मूवी रिलीज भी हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फराज साम जी की इस फिल्म को, बच्चन पांडे मूवी को, जिसमें अक्षय कुमार गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों बतला दें ये मूवी एक सफल फिल्म होने वाला है जो 18 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। फ्रेंड आपको बतला दें चले कि मूवी एक जबरदस्त रिस्पॉन्स करने वाला फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू को और इस मूवी से जुड़ी काफी अननोन फैक्ट को बतला रहे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म को साजिद नदीदवाला सर प्रोड्यूस कर रहे हैं और साजिद नदीदवाला सर के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया जा रहा है। साजिद नदीदवाला फैमिली हैव बीन इन फिल्म प्रोडक्शन सिंस 1955 कंटिन्यू हिज द एन लाइजिकी। साजिद नदीदवाला एस्टेब्लिश्ड द कंपनी इन 2005। इट इज द पार्ट ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ट्रेड द इन्वॉल्वमेंट इन मोशन पिक्चर, रेडियो, टेलीविजन एंड अदर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। राकेश मोधराटा इज द एनक्रोटिस सी CEO of the company. The Nadidwala, the Sajid Nadidwala family who the end migrated Mumbai from the end Nadidwala Gujarati have been in the film industry for the agreement and generation starting with AKN Nadidwala flowed by his the son and Suleiman Nadidwala and now the end grandson Sajid Nadidwala President the art and celebrating 63 years of the theater in extension of the film industry. The film first to be a producer under theater the N Lejeki and inspector 1956. The boy Abdul Karim Nadidwala, his father want won the end producer movie like Taj Mahal in 1963 and the चित्र खेला 1964। द कंपनी ही द फर्स्ट प्रोडक्शन कैम इन द 1992 विद द एंड भरत रंगास्ता एंड अजलुम की हुकूमत मूवी स्टारिंग एंड द एसेंबल कास्ट इंक्लूडिंग
सुनील शेट्टी एंड गोविंदा विच वॉज द एंड नॉट विल बी अप्रिक्रेट द नेक्स्ट टू बी प्रोड्यूसर फिल्म वेयर द एंड रिंगेस्ट्री वक्त हमारा है मूवी 1993 स्टारिंग अक्षय कुमार एस विल बी सुनील शेट्टी एंड अजीज एंड सजल वाल आंदोलन फिल्म 1995 स्टारिंग गोविंदा ममता कुलकर्णी एंड संजय दत्त बोर्ड द दिस फिल्म परफॉर्मेंस द एंड मोडो टच विल बी द बॉक्स ऑफिस द परफॉर्म एंड द मरकज साजिद नदीज वाला फर्स्ट प्रोडक्शन टू बी स्टार अक्षय कुमार इन अगस्त मूवी 1996 राज कुंवर एन एक्शन थ्रिलर मूवी जीत स्टारिंग सुनील देओल एंड सनी देओल एंड करिश्मा कपूर एंड सलमान खान विच जी वॉस एंड प्रोड्यूसर बाय द एन जी वॉस रिलीज टू बी एन पॉजिटिव क्रिटिकल रिव्यू एंड द इवेंचुअली प्रोवाइड एज द एंड ब्रेक ड्रॉप फॉर द बैनर इज द ग्रोसेड ओवर 330 million एंड यूसे कन्वर्ट टू द 4.4 million एट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस टू बिकम वन ऑफ द ईयर्स हाइएस्ट अर्निंग फिल्म जीत वॉज द ऑल्सो साजिद नदीद वाला फर्स्ट प्रोडक्शन टू बी स्टार सलमान खान एंड डेविड धवन कॉमेडी मूवी जुड़वा रिलीज इन फरवरी 1997 मेकर द नेक्स्ट फिल्म ऑफ द एन जी के एंड फ्यूचरिंग सलमान खान एंड ट्वीन द ब्रोदर हु द वर्ल्ड एंड सेपरेटेड एट द वर्ल्ड द एन रोनिट इन यूथ एंड जुड़वा मूवी स्टारिंग करिश्मा कपूर एंड रंबा एज द सलमान खान लव इंटरेस्टेड एंड द मूवी सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस रन विद द इन लाइफ टाइम अर्निंग ऑफ द 220 million इंडियन रुपीज एन जी के बिगेन द मूवी 2000 इज द एंड बेस्ट बॉय द एंड रिटमिंग विद द राजकुमार टू बी एंड प्रोड्यूस द रोमांटिक कॉमेडी हर दिल जो प्यार करेगा मूवी 2000 स्टारिंग सलमान खान ऑपोजिट प्रीति जिंता एंड रानी मुखर्जी इट इज द वन टू बी ग्रोस द 360 million एंड यूसे कन्वर्ट टू द 4.8 million वर्ल्ड वाइड एंड वॉज द एंड सिक्स हाइगेस्ट मूवी वॉज द सिक्स हाइगेस्ट मूवी फिल्म द ईयर फ्रॉम द 2001 टू 2003 एन जी के एंड डोंट द प्रोड्यूस एनी फैमिली मूवी द बैनर कैम back the banner come back in 2004 by the end collaborating with the David Dhawan from the second time won the musical romantic comedy and Mujhse Shaadi Karogi movie which featuring Salman Khan Akshay Kumar and Priyanka Chopra and declared the super hit movie box office India it is the end final worldwide earning the receipt to be 650 million and USA convert to the 8.2 million this was the followed by the end series Kundar directorial debut the Jaane Man movie in 2006 the featuring with the end show Preeti Zinta Salman Khan Akshay Kumar play the lead role was the critically and commercially unpopular movie in 2007 NGK producer by Sajid Nadidwala Sajid Khan comedy Hai Baby movie starring Akshay Kumar Vidya Balan Ritesh Deshmukh and Farha and Farteen Khan Hai Baby with the maker the first collaboration between Sajid Nadidwala and Ritesh Deshmukh was the critical and commercial successful revenue 700 million box office collection in worldwide collection USA convert to 9.3 million received the mixed negative review from the critics the and banner next producer by Shabir Khan directorial debut the and comeback the Ishq movie 2009 with Saud Akshay Kumar and Kareena Kapoor star provide the character and earned over 840 million in USA convert the 11 million global maker to be become a box office collection and despite earning overseas mixed review from the critics review and NGK achieved further the success in 2010 production the Sajid Khan directed comedy Houseful with the and co-starred the and ensemble movie cast is crowning Akshay Kumar Deepika Padukone Ritesh Deshmukh Lara Dutta and Arjun Rampal and Jiha Khan the movie grossed over the 1.51 billion and USA convert the 20 million worldwide the end thus becoming NGK highest grossing release movie at the point and was the featuring earning Bollywood production of the year the end response was the and generally mixed Houseful was the first and installment of the end Houseful full movie and franchise with the company is the second production of the year's movie and Siddharth Anand and Anjan and the Anjana Anjani movie romantic comedy featuring the Ranbir Kapoor and Priyanka Chopra with the was profited by in the box office collection the film starred Jacqueline Fernandez 2009 Fernandez the travel to India for the end movie
मॉडलिंग असाइनमेंट सी सक्सेसफुली एंड ऑडिशन फॉर द एंड सुजय घोष एंड फंटासी फिल्म द अलादीन मूवी 2009 हेयर द एक्टिंग डिब्याउट सी प्ले एट द रोल एंड इंटरेस्ट ऑफ द रितेश देशमुख इज द करेक्टर रोल बेस्ड ऑन द करेक्टर द एंड प्रिंसेस जास्मिन एंड राजीव मुंशोद ऑफ द सीन एंड आईवीएन फेल द सीन एंड आईवीएन फेल थे द वॉज द एंड इजी वन द एंड इजी द ऑफिनिस द कॉन्फिडेंट हिज द एंड प्रकिजो टाइटल डू एंड ऑल थाउ द फिल्म वॉज द क्रिटिकल एंड कॉमरिकल फेलुअर वन टू बी इफा आउट फॉर द स्टार डिब्यूट ऑफ द ईयर फीमेल मूवी इन 2010 द फर्नांडिस अपीयर्ड अपोजिट देशमुख इन एस कनी फॉर द एंड फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी जाने कहां से आई है सी वॉज द कास्ट गर्ल फ्रॉम द एंड विनस हु द एंड इंडस्ट टू द एट द सर्च ऑफ द लव द फिल्म अलॉन्ग विद द एंड फर्नांडिस परफॉर्मेंस द रिसीव्ड फॉर द रिव्यू इन द रिव्यू.com सुकन्या वर्मा नोटिस सी द एंड गिमली मेकर्स फुल द एंड हेयर सेल्फ विल बी एन अपैंग द एन एक्स इन द एक्शन ऑफ द मूवी स्टार द रनिंग फ्रॉम द श्रीदेवी नगमा श्रीदेवी नागिन डांस मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर मूवी टू बिग बी एंड वायलेंट द एंड स्कार्स हम हेयर द एंड तेयर क्लाउड द कीपर टू ओनली जाने कहां से आई है मूवी वन टू बी द एंड इंटेंड ऑन दी द टर्निंग हेयर द इंटू लव द ट्रक बॉबी एंड क्रिटिक द अनुपमा चोपड़ा एंड द क्रिटिक जेट फर्नांडिस कॉलिंग हेयर इन द पिंक द पुरिक ऑन बुलंग विद द लेटर हेयर सी द मेड ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग मूवी धन्नो फॉर साजिद खान कॉमेडी हाउसफुल मूवी महेश भट्ट द थ्रिलर मर्डर टू वॉज द फर्नांडिस फर्स्ट मूवी कॉमरिकल सक्सेसफुल एंड द मेकेट द टर्निंग पॉइंट इन द हेयर करियर सी टॉक वन द रोल ऑफ द प्रिया ए एंड लोनली मोड विद द एंड कन्फ्यूजिंग द रिलेशनशिप विद द अर्जुन भगवत द प्लेड बाय द इमरान हाशमी फर्नांडिस वॉज द एंड प्राइजेड फॉर द परफॉर्मेंस एंड फॉर द एंड बिल्डिंग एंड सेक्स अपील दी हेयर डिस्प्ले द फिल्म एंड गौरव मिलानी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटेड दी सी वॉज द एंड टेस्टिंग फुली एंड टेम्पलेट बट दी एंड थ्रे हेयर द रोमांस विद द एंड हसमी वॉज द एंड इटरली हेयर द एंड बैकेट द फॉलोअर हेयर फर्नांडिस अपीयर्ड इन द मूवी इन सिंबल एंड कॉमेडी मूवी हाउसफुल टू अलॉन्ग साइड अक्षय कुमार जोहन अब्राहम एंड एशियन बिकॉन वन ऑफ द टॉप ग्रोसिंग मूवी प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया द ईयर्स इन द अर्नेट 1.86 बिलियन एंड यूसे कन्वर्ट 25 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फर्नांडिस द रिसीव्ड मोस्टली नेगेटिव रिव्यू फॉर द हेयर परफॉर्मेंस विद द एंड विल गौरव मिलानी प्रेजेंट हेयर फॉर द एंड लुक्स एंडी टीवी क्लेट हेयर द एंड बटलिन बिम्बो हु द एंड फेल द एंड प्लीजर एंड डिस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू एंड एंड द फर्नांडिस रिसीव्ड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस द एंड नॉमिनेशन एट द 14 द इफ आउट फॉर द एयर हेयर द परफॉर्मेंस एंड फर्नांडिस फर्स्ट रिलीज ऑफ द 2013 वॉज द रेस टू एन एसेंबल एक्टिंग एक्शन थ्रिलर मूवी अलॉन्ग साइड सैफ अली खान जोहन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण डिस्क्राइब्ड एज द एंड सिनेमेटिक द एंड इक्वन फिलर द एंड टेस्टी मूवी बाय द क्रिटिक्स राजीव मंसद सी द प्लेट द एंड उमिशा फेम दी एंड फेटल मूवी रोल विद द रिक्वायर्ड हेयर द लर्न एंड फेंसिंग एंड द शोम द एंड अक्रोबेटिक मूवी द एंड इमर्जेड एज द कॉमरिकल सक्सेस विद द वर्ल्ड वाइड ग्रोस ऑफ द मोर देन 1.8 बिलियन एंड यूसे कन्वर्ट टू द 24 मिलियन एंड नेट डोमेस्टिकली ऑफ ओवर 1 बिलियन कलेक्टेड यूसे कन्वर्ट टू 13 मिलियन इन द पार्टुलर मूवी द क्रिएटिव मूवी एंड अलॉन्गसाइड द मूवी इन 2009 फर्नांडिस द ट्रैवल टू इंडिया फॉर मॉडलिंग असाइनमेंट द मूवी कलेक्टेड द 2014 साजिद नदीद्वाला एंड डायरेक्टोरियल एक्शन फिल्म किक मूवी रिमेक ऑफ द 2009 तेलुगु फिल्म ऑफ द सेम नेम सी स्टारेड द ऑपोजिट सलमान खान प्लेइंग द चाइना एंड पैथोलॉजिकल सी द एंड रिटेन हेयर द रोल वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन किक मूवी विल द स्नेहा माई फ्रेंड सजमिस द एंड कॉमेंटेड दिस सी इज द एंड फ्रेंड एंड डिजलिंग Darjeeling is the movie like magic and scene of the Rediff.com and critical alongside with the and delivery calling the unfortunately the film received the mixed review critics worldwide and revenue the 3.75 billion and USA convert to the 50 million it is the become the and fourth highest grossing Bollywood film the movie and stabilized the Fernandez in one of the mostly popular Bollywood movie in the box office collection.
तो इसी तरह अक्षय कुमार सर ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किया। 2012 की उनकी पहली रिलीज मूवी हाउसफुल 2 मूवी थी, जो उनकी पिछली कॉमेडी फिल्म हाउसफुल मूवी का सिक्वल था। जो अक्षय कुमार की अगली फिल्म जो है प्रभु देवाधारा निर्देशित मूवी एक्शन ड्रामा राउडी राठौर मूवी थी, जिसमें उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ दोहरी भूमिकाएँ निभाई थी। फिल्म ने भारत में 1.3 बिलियन से अधिक की कमाई किया, USA में कन्वर्ट किया जाए तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई की। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया, USA में कन्वर्ट किया जाए तो 13 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2012 में उन्होंने ग्राजिंग गोट एंड पिक्चर धारा जो है प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना भी इन्होंने किया था। जोकर फिल्म को कथित तौर पर अक्षय कुमार की 100वीं फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने स्पष्ट किया कि जोकर फिल्म से पहले ही इनका 100 फिल्म पूरा हो चुका था। जोकर फिल्म के लिए साइन ऑफ करने से बहुत पहले ही 100वीं फिल्म जो है इनका पूरा हो चुका था, 100वीं फिल्म मिल चुका था, पत्थर पार इन्होंने कर लिया था। और उन्होंने कहा कि श्रीश मूवी की ओर से यह जो है गलत अनुमान लगाया गया था कि वो MG मेरी मूवी 116वीं फिल्म है। अक्षय कुमार ने कुंदर के साथ जो है मतभेदों के कारण खुद को जो है फिल्म के प्रचार से दूर रखा। अक्षय कुमार के फिल्म के प्रचार से पीछे हटने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुंदर ने ट्वीट किया कि एक जो है सच्चा नेता अपनी ही टीम की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें हर जो है मुश्किल में ले जाता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता है और भाग जाता है। बाद में उन्होंने ट्वीट को हटा दिया और उनकी बात की सीरीज ओह माय गॉड मूवी, जिसे उन्होंने परेश रावल के साथ निर्मित और अभिनीत किया था। इसकी शुरुआत जो है धीमी थी, लेकिन मुंह की बात के कारण इसने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 2012 में उनकी आखिरी रिलीज मूवी खिलाड़ी 786 थी, जो उनकी प्रसिद्ध खिलाड़ी श्रृंखला में 8वीं किस्त मूवी थी और साथ ही 12 साल बाद श्रृंखला की वापसी थी। हालांकि आलोचकों द्वारा फिल्म की आलोचना की गई थी, लेकिन इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस में 700 मिलियन की कमाई किया। 2013 में उनकी पहली रिलीज मूवी एस स्पेशल जो है 24 थी, जिसने जो है सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत अर्जित किया था और बॉक्स ऑफिस पे मध्यम रूप से सफल रही थी। हालांकि फिल्म ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता अर्जित की। व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि फिल्म अपनी ही अच्छी सामग्री और अक्षय कुमार के हाई प्रोफाइल के कारण जो है बेहतर व्यवसाय कर रही है और बेहतर व्यवसाय कर सकती थी। फिल्म जो है मिलन लोथरिया ने अक्षय कुमार को गैंगस्टर फिल्म वंस अपन ए टाइम इन मुंबई में दोबारा में जो है कि शोएब खान दाऊद इब्राहिम पर आधारित मूवी की भूमिका निभाने के लिए चुना। वंस अपन ए टाइम इन मुंबई की अगली कड़ी यह बॉक्स ऑफिस पे औसत से नीचे साबित हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा फ्लॉप घोषित किया गया था। इसे मिश्रित समीक्षा मिली थी। हालांकि अधिकांश आलोचक ने अक्षय कुमार के अभिनय की प्रशंसा की। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक समीक्षा में अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि अक्षय कुमार एक जो है तर्कीय हत्यारा बनते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की माधुरीता मुखर्जी ने अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि भाई जो है इनकी तेज तरार और मौजों के साथ जो अभिनय करते हैं उन्हें वह करने का मौका मिलता है जो वह सबसे अच्छा करते हैं। साथी हीरो गिरी हारा की कम जो है खतरनाक मूवी अधिक जो है मनोरंजन करिश्मा और ताली जो है जाल के साथ जो है यानी कि डायलॉग बाजी मूवी थी। ऑल यानी कि पचीनो ने फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो देखा और अक्षय कुमार के लिए गैंगस्टर शोएब खान के चित्रण की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि प्रोमो और पोस्टर ने उन्हें उनके द गॉड फादर की याद दिला दी थी। अक्षय कुमार ने पचीनो की प्रतिक्रिया के बारे में कहा, साथ ही प्रशंसा का एक जो है यानी कि स्पर्श हमेशा एक जो है प्रिय के रूप में आयोजित किया है। दोस्तों वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, जिसे 2022 में 18 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों बच्चन पांडे मूवी की कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों बतला दें बच्चन पांडे मूवी को बहुत जल्द जो है इंडिया में रिलीज किया जाएगा। फ्रेंड अगर आप बच्चन पांडे फिल्म का वेट कर रहे थे तो आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बता रहे हैं और अक्षय कुमार सर की रियल लाइफ को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म में आपको अक्षय कुमार, कीर्ति सुनोन एंड जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी जो है अभिनय करते हुए दिखाई देंगी।
और इस फिल्म को जिगर ठंडा मूवी की रीमेक कहानी को लेकर बनाया गया है। उसे वह करने का मौका मिलता है जो सबसे अच्छा करते हैं। हीरोगिरी यद्यपि कम जो है खतरनाक अधिक मनोरंजन मूवी थी। करिश्मा और क्लैप ट्रैक जो है इनकी डायलॉगबाजी के साथ मूवी को रिलीज किया गया था। अल पचिनो ने फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो देखा और अक्षय कुमार के गैंगस्टर शोएब खान के चित्रण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रोमो और पोस्टर ने उन्हें अपने द गॉड फादर की याद दिला दी। अक्षय कुमार ने पचिनो फिल्म की प्रतिक्रिया के बारे में कहा, एक अभिनेता की बाहों में हमेशा प्रशंसा का स्पर्श होता है, भले ही वह हमारे प्यारे स्पष्ट बॉय हो, जैसे कि सबसे सरल जो है लोगों से हो, लेकिन दुनिया के सबसे प्रशंसित गैंगस्टर अल जो है पचिनो धारा आपके काम के बारे में इतनी ही दयालुता से बात करने के लिए प्रोमो देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि उनके महान काम के प्रशंसक के रूप में बहुत जो है विनम्र था। और CNN IVN के राजीव मंसद ने अक्षय कुमार की उनकी इन द फेस तरक जो है वर्डक के लिए आलोचना की। उनके बाद जो फिल्म की मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा अक्षय कुमार ने आलोचकों की आलोचना किया था और उन पर जो है दर्शकों की समझ और फिल्म निर्माण के बुनियादी विचारों की कमी का आरोप लगाया था। ओमान में शूट की जाने वाली पहली प्रमुख हिंदी भाषा की मूवी फिल्म थी। अक्षय कुमार को जी सिनेमा अवार्ड में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला था। उनकी अगली रिलीज मूवी शिव पंडित और आदिति राव हैदर की मूवी के साथ थी। एंथनी डिसूजा की बॉस मूवी थी। फिल्मों को जो है मिली जुली समीक्षा मिली थी और ये 2020 में 730 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। एन यूसे में कन्वर्ट किया जाए तो 9.7 मिलियन के बराबर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया था। बेहतर शत्रु की जरूरत अक्षय कुमार जो है हॉलीडे ए सोल्जर इज नेवर ऑफ द ड्यूटी 2012 की तमिल फिल्म थुपक्की मूवी की हिंदी रिमेक के साथ जो है जोरदार वापसी की थी। और इस मूवी ने एक्शन थ्रिलर एक्शन ड्रामा ने 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। एलीट क्लब में प्रवेश करते हुए आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों ही तरह की सफलता अर्जित की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस में 1 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। यूसेमेन पैसों को कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली अक्षय कुमार की यह तीसरी फिल्म बन गई थी। अक्षय कुमार ने अपनी हाल ही में फिल्म साथी जो है यानी कि इटस एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना गाया है। गाने की मेकिंग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। 2014 की उनकी आखिरी फिल्म द शौकीन्स मूवी थी। वह जो है समय के रूप में प्रकट हुए और इसे प्रस्तुत किया। उन्होंने थ्रिलर बेबी एंड गब्बर इज बैक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। करण जौहर धारा ब्रदर्स के साथ अक्षय कुमार का पहला सहयोग मूवी 14 अगस्त 2015 को जारी किया गया था। उनकी अगली रिलीज मूवी सिंह इज बिलिंग मूवी थी जो 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी और इसे जो है ग्राजिंग साथ जो है गोटस और पिक्चर धारा निर्मित किया गया था। और उनकी पहली रिलीज मूवी 22 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी और एयरलिफ्ट मूवी थी जो कि समीक्षकों द्वारा व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। और दूसरी हाउसफुल 3 मूवी जून 2016 को रिलीज हुई थी। नमस्ते लंदन की अगली कड़ी की घोषणा भी कर दी गई है और ये मूवी 2016 की उनकी तीसरे रिलीज को चिन्हित करता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है बच्चन पांडे मूवी को। मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस वीडियो में हमने बतलाया है। दोस्तों हम आपको बतला दें ये मूवी आपको 18 मार्च को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। मूवी की तैयारी कर ली गई है। फिल्म को 18 मार्च 2022 को इंडिया के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों बता दें ये मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म होने वाला है। गैंगस्टर के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार बच्चन पांडे के किरदार में नज़र आ रहे हैं जो कि अपने आप में एक अलग किरदार को निभा रहे हैं। दोस्तों बता दें ये मूवी एक जिगर ठंडा मूवी की रीमेक है जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। जिगर ठंडा मूवी और बच्चन पांडे मूवी की जो कहानी है थोड़ी सी सिमिलर कहानी होने वाला है।
बच्चन पांडे मूवी आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नदी द्वाला द्वारा निर्मित की गई मूवी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन और जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी ने अभिनय किया है। यह फिल्म 2014 की तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रीमेक बनाया गया है जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डॉटी कन विलन मूवी से प्रेरित थी। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी। एक नवोदित निर्देशक जो है मायरा कीर्ति सनोन और गैंगस्टर के रूप में एक फिल्म बनाना चाहती है। वह बच्चन पांडे अक्षय कुमार को चुनती है जो एक क्रूर गैंगस्टर फिल्म में रहते हैं, लेकिन उस पर शोध करने के उसके गुप्त जो है प्रयास विफल हो जाते हैं। जब वह उसकी जासूसी करने के लिए पकड़ी जाती है तो उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। बच्चन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल फिल्म विरम मूवी का रीमेक जो है बनाना था, लेकिन निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया कि बच्चन पांडे तमिल मूवी जिगर ठंडा मूवी के रीमेक है। शीर्षक 2008 की एक्शन फिल्म टशन फिल्म में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए एक इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है। शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया है। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के फैंस के लिए आज का दिन जो है काफ़ी खुशी का दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि आज अक्षय कुमार की मोस्ट एवेंडेड फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले की फिल्म के कई पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और उन्हें फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें कि बच्चन पांडे फिल्म का ट्रेलर आज सुबह 10:40 रिलीज किया जाएगा। नया ट्रेलर को अक्षय कुमार की इसी फिल्म का ट्रेलर देखने से पहले ही लोगों ने इसे ब्लॉक बास्टर बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और वहीं पे बात चल रही है कि बच्चन पांडे को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। बच्चन पांडे को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल जो है ये ट्रेलर जो है देखने के बाद ही पता चलेगा कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे मूवी की पोस्टर की तरह धमाकेदार होगा या नहीं। फैंस अक्षय कुमार की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म है। एक यूजर ने लिखा है कि बॉलीवुड का गॉडफादर आ रहे हैं, तो एक यूजर ने यह भी लिखा है कि अगर यह फिल्म आलिया की गंगूबाई कथैया वाडी फिल्म से ज़्यादा कमाई करती हो तो अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी ओपनर रह सकता है। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित की गई और साजिद नदी द्वाला के प्रोडक्शन हाउस के तहत निर्मित किया जा रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट कीर्ति सनोन नजर आने वाली है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बात करें बच्चन पांडे मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों वहीं पर बात कर ले इस मूवी की बजट के बारे में, तो बच्चन पांडे फिल्म को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी 68 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये मूवी इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई है। दोस्तों वहीं बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस एंड अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। क्योंकि दोस्तों ये मूवी की शूटिंग 2020 में स्टार्टिंग की गई थी और मूवी की शूटिंग 2021 में ही पूरी कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पा रही थी। बता दें दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है जो फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित की गई और साजिद नादी द्वाला द्वारा निर्मित की गई मूवी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी अभिनय करते हुए नजर आए हैं और ये फिल्म 2014 की तमिल भाषा की जिगर ठंडा मूवी की रीमेक बनाई गई है जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डॉटी कर्निवल से प्रेरित मूवी थी जो बच्चन पांडे को शुरू में तमिल भाषा और साथ ही विरम का रीमेक बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, लेकिन फिल्म के निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए स्क्रिप्ट को बदल दिया था
हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रीमेक बनाई गई है। बता दें दोस्तों, फिल्म की शीर्षक को लेकर 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है, जो कि शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। बता दें दोस्तों, मुख्य फोटोग्राफी मूवी की 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई और साथ ही साथ 6 जनवरी 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा कर लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, बच्चन पांडे पहले 1 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली मूवी थी, लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण इसे 22 जनवरी 2021 को बदल दिया गया था और फिल्म अंततः 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म अब जो है 15 अप्रैल 2022 से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग किया गया है और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस मूवी को फ्री में वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार के करियर के सबसे बुरी फिल्म जिसका नाम है बच्चन पांडे। दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये मूवी आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है और फिल्म को इस मूवी को काफ़ी घटिया रिस्पॉन्स मिला है। बता दें दोस्तों, मूवी को बहुत ही कम रिव्यू रेटिंग दी गई है और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बिल्कुल लताड़ दिया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो यूट्यूब पे और अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है और मूवी को क्या रिव्यू रेटिंग मिली है। बताया दोस्तों, फिल्म रिलीज होने पर बच्चन पांडे को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। शुरू में रिलीज होने के बाद शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, लेकिन तरण अदास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा उन्होंने, ऑन स्टॉप मनोरंजन मूवी में लतपथ जो है अक्षय कुमार एक्शन में उत्कर्ष दिखते हैं, बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका को कट्टर मनोरंजन की तलाश करने वालों के साथ ही उद्देश्य से पर्याप्त करते हैं। और बताया दोस्तों, सिटी के क्षण यहाँ पे जनता के लिए रखी गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और इसे अजीब और साथ ही घिसे पिटे चरित्रों की एक जो है यानी कि अराज गड़बड़ कहा। बता दें दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 13.25 करोड़ की कमाई की। वहीं पे बात कर ले मूवी के दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने दूसरे दिन भी 12 करोड़ से अधिक के कलेक्शन किया था और तीसरे दिन ने भी फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और कुल एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने एक हफ्ते में 37.25 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये मूवी 20 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49.98 करोड़ से अधिक की कमाई किया और विदेशों में फिल्म ने 9.11 करोड़ से अधिक की कमाई की। इसी तरह दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था और फिल्म को द कश्मीर फाइल से भारी यानी कि भारतीय सफलता का सामना करना पड़ा, जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया था। बता दें दोस्तों, इसी तरह ये मूवी को फ्लॉप घोषित किया गया, क्योंकि फिल्म को 140 करोड़ से अधिक के बजट में बनाया गया था और ये मूवी साल 2022 की फ्लॉप मूवी रही है। बताया दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चन पांडे मूवी की कहानी के बारे में कि फिल्म में कौन सी कहानी को बतलाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे मूवी को रिव्यू करता हूं, फिल्म की कहानी को एनालिसिस करता हूं और साथ ही साथ मूवी को किस तरह से बनाया गया था इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। तो दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक नवोदित निर्देशक मायरा वेकेदर से। मायरा दिवेकर जो एक फिल्म निर्माता धारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक जो है गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है उनको। अब निर्माता के व्यावसायिक जो है दृष्टिकोण और साथ ही यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी यानी कि भूख को संतुष्ट करने के लिए वह स्क्रिप्ट के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। साथ ही साथ आपको बतला दें, उसके व्यापक सोच से यानी कि बात हुआ कि एक आँख वाले बच्चन पांडे 1 करोड़ के साथ गैंगस्टर इन विचित्र लेकिन डरावने गुर्गों से दिखने वाला इंसान को उलाती है जो एक गैंगस्टर होता है। अब मायरा बागवा की यात्रा करती है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बता
और उसे बताती है कि बच्चन पर अपने फिल्म के विचार के बारे में बताती है और विशु उग्र हो जाते हैं और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में मदद करने के लिए मना लिया जाता है। विशु और मायरा दोनों ही बच्चन के करीब आने के प्रयास में उनके गुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर देती है। वर्जिन के साथ गुंडों में से एक उन्हें अपनी पुरुआ एन प्रेमिका के साथ जो है सेफी ने बारे में बताया कि जिसे पुरुआ ने मार डाला था, और साथ ही विशु और उनके साथ मायरा जो कि वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते थे और उसी के साथ जो है ताकि बच्चन पांडे के साथ उसकी बातचीत हो सके और सुन सके। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा इन लोहारिया के लिए बच्चन के धोखे दे रही है, बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके धारा पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया गया। बता दें दोस्तों, विशु और मायरा माइक्रोफोन के माध्यम से हत्या की बात सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह धारा पकड़े जाते हैं। बच्चन विशु और साथी मायरा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। और जब उसे यह पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, इसी शर्त के तहत वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाते हैं, और मायरा शुरू में यानी कि स्वीकार नहीं करते हैं उनको, लेकिन बच्चन उसके निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट जो है विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ एक फ्लैशबैक में बच्चन पांडे एक भ्रष्ट राजनेता लालजी भगत के लिए काम करता है और एक नतीजे के बाद जो है राजनेता बच्चन की प्रेमिका सोफी का हत्या भी कर देते हैं, और साथ ही प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी थी जहां उन्हें एक घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार की करियर की सबसे बुरी मूवी जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों, अगर आप लोग अक्षय कुमार के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता सकता हूँ, साथ ही साथ फिल्म की कहानी को एनालिसिस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब बच्चन और उसके गुंडे अभिनय करना नहीं चाहते हैं और नहीं जानते, इसीलिए वह अभिनय कोच भावेश भोपले के माध्यम से सीखते हैं अभिनय करना, और साथ ही भावेश बच्चन और उसके गुर्गों को मारते हैं और धमकाते हैं और अपमानित भी करते हैं, जिससे उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म के लिए भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करने लग जाते हैं। आखिरकार फिल्म पूरी हो जाती है और सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती है। बच्चन और उसके गुंडे शुरू में साथी यानी कि उत्साहित हो जाते हैं और बीबी नाम की फिल्म का प्रचार करते हैं, यह सोच कर कि यह एक किरकिरा गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसकी मार्केटिंग की गई थी, और उनके अंत के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती हुई नजर आई है। वहीं पे मायरा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और इसे मीडिया और उनके निर्देशक से तारीफ मिलती है जो कि अक्सर उनके काफ़ी आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे उसे मारने का फैसला करते हैं ताकि लोगों में उसका डर गायब हो जाए, लेकिन बाद में उससे बचना चाहिए क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाता है और अपनी कहानी सुनता है कि उसकी माँ धारा उसे बुलाते हुए सुनने के लिए उसके कान बज रहे थे और उसके प्रशंसक भी प्रभावित हो गए थे, और उसके द्वारा बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है। और बच्चन का करीबी गुंडा और कांडी के साथ जो है पोर्न फिल्म देखने की अपनी जो है आदत छोड़ देता है, और एक यानी कि अनाम फिल्म में विशु को मुख्य भूमिका मिलती है, भावेश भोपेला के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाता है, और बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए पहचाने जाते हैं, और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जाती है। वह अपनी मां का सम्मान भी अर्जित करने लग जाता है, जिसने
दस वर्षों में उसे बात नहीं की थी और वो अपराधी बन जाता है और अपराधी काम जो है छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। बता दें दोस्तों, इसी के साथ फिल्म की कहानी खुशी खुशी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये मूवी से बहुत ही ज़्यादा अक्षय कुमार को उम्मीद थी कि फिल्म एक अलग कमाई करेगी, क्योंकि इस मूवी की दो रीमेक पहले ही बनाया जा चुका है और दोनों ही रीमेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई किया था, सिर्फ अक्षय कुमार की इस फिल्म को छोड़कर। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार की ये मूवी उतनी अच्छी कमाई नहीं की जितनी कि इस मूवी से उम्मीदें की जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री कीर्ति सेनन के बारे में, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया है। और आपको पता है, मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ, जिस फिल्म को एक्सप्लेन करता हूँ, उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में आप लोगों को जरूर बतलाता हूँ। तो दोस्तों, ये है कीर्ति सेनन। तब से जो है व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी एंड साथ ही बरेली की बर्फी फिल्म से इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग की, जो 2017 और साथ ही लुका छुपी फिल्म 2019 में अभिनय किया है। और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज मूवी कलाकारों की टुकड़ी वाली दिलवाले मूवी है, जिसे 2015 में और हाउसफुल 4 मूवी 2019 के साथ आई थी। इसी के साथ 2021 में उन्हें मिमी में एक जो है सरोगेट माँ की शीर्षक भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा दी गई। बताया दोस्तों, कीर्ति सेनन 2019 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है और उसने अपने कपड़ों की अपनी लाइन भी शुरू की है और कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन भी करती है। साथ ही साथ कीर्ति सेनन का जन्म 27 जुलाई को हुआ था। नई दिल्ली में अंसाती चटई और साथ ही अकाउंटेंट जो है राहुल सेनन और दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी की एन प्रोफेसर गीता सेनन के घर में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार पंजाबी है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में पढ़ाई की है और बाद में जेपी और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉमर्स में अपने शिक्षक को इन्होंने पूरा किया था। दोस्तों, सेनन ने 2014 में हीरोपंती मूवी के एक कार्यक्रम में कीर्ति सेनन के साथ ही सेनन ने 2014 में सुकुमार की तेलुगु मूवी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी यानी कि ननो का दिन के साथ स्टार महेश बाबू के चरित्र की प्रेमी की रुचि के साथ अभिनय की शुरुआत इन्होंने किया। फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा दी गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा है कि कीर्ति सेनन सुंदर दिखती है फिल्म के अंदर और अच्छा अभिनय भी करती है। इसी के साथ जो है, जबकि सिफी .com के एक समीक्षक ने कहा था, वह खूबसूरत दिखती है मूवी के अंदर और एक जो है नवा गंतुक के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उसी वर्ष बाद में कीर्ति सेनन ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत जो है शबीर खान की एक्शन फिल्म हीरोपंती फिल्म में उन्होंने किया था। नवा गंतुक टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने किया था। साजिद नादिद वाला द्वारा निर्मित की गई फिल्म का मिश्रित जो है स्वागत भी इनको मिला था। लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे 726 मिलियन से अधिक की कमाई किया और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 9.5 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था। और इसी के साथ ये मूवी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे फिल्म को और अभी हम बात करें कीर्ति सेनन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी कीर्ति सेनन मैम के फैन हो और इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये शायद आप लोगों को पता होगा। सेनन ने 2015 की शुरुआत अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा की क्राइम ड्रामा दो चाय में की, जिसमें जो है नागा चैतन्य की सह अभिनीत वाली मूवी थी। वह वरुण धवन एंड शाहरुख खान और काजोल के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी दिलवाले फिल्म में अगली कास्ट थी, जिसने जो है बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़कर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें दोस्तों, ये मूवी 3.72 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई की। और दुनिया भर में मूवी अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सेनन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं मूवी के अंदर, जिसका मतलब जो है महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। स्क्रीन से एक साल की अनुपस्थिति के बाद सेनन ने साथ ही मोडोका फिल्म के साथ मिलकर अपने निर्देशन में पहली फिल्म जो है रब्ता में कई सहयोगों में से पहला काम किया, जिसमें उन्हें और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार यानी कि क्रॉस प्रेमी के रूप में दिखाया गया था, जो कि पुनर्जन्म लेते हैं। और एक तीखी समीक्षक में फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया था। लेकिन सेनन की प्रति
लेकिन कीर्ति सेनन की प्रतिमा उत्साही जो है उपस्थिति पर ध्यान दिया गया था। यह फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही रूप से विफल रही थी। साथ ही अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी, साथ ही जो है कि बरेली की बर्फी फिल्म में एक बार फिर से इनको देखा गया था, और एक बेहतरीन जीवन की आकांक्षा रखने वाली ग्रामीण भारतीय महिला के रूप में सेनन की बात की भूमिका को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फिल्म में उनके साथ अभिनय किया, जो कि फ्रांसीसी लेखन एंसाती निकोलस के साथ जो है बेरू के उप न्यास द एंसाती डॉगरी डिएशंस के साथ ऑफ लॉ का एक रूपांतरण फिल्म था। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहा था कि बरेली की बर्फी को बनाने का भार जो है कीर्ति सेनन पर है, और वह यानी कि गलत नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की शुभ रघुप्त ने सोचा कि साथ ही सेनन के प्रयास के बावजूद जो है उनके प्रदर्शन से स्वाभावित की कमी थी। इसी के साथ 2019 में लुका छुपी फिल्म को प्रमोट करते समय कार्तिक आर्यन के साथ सेनन ने 2019 में दो फिल्मों में साथ ही मोडाक फिल्म के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें से पहली सिनेमाटोग्राफर एंसाती लक्ष्मण मूवी वाली और उटेकर की हिंदी मूवी निर्देशन वाली पहली फिल्म जो है लुका छुपी थी, जो कि लिव इन द रिश्तों पर एक जो है व्यंग्यत मूवी थी, जिसने जो है उन्हें कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ा गया था। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा है कि कीर्ति सेनन पूरी तरह से सहज दिखती है मूवी के अंदर, और ऐसा लगता है कि कॉमेडी में अपने पैर जमा लिए हैं, और इसी प्रक्रिया में यह सब एक अच्छा यानी कि समय दिखता है। और एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी लुका छुपी, ने दुनिया भर में 1.29 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन की कमाई की थी यूएसए डॉलर में। और उन्हें अगली बार जो है रोहित गुजराती की कॉमेडी अर्जुन पटियाला में अभिनय करते हुए देखा गया था, जिसमें जो है दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। दोस्तों, ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे सफल रही थी, और कीर्ति सेनन ने कुछ इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाया है। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार के करियर के सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बतला दे पुनर्जन्म वाली मूवी कॉमेडी हाउस फुल 4 में इनको देखा गया, जो कि फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक राजकुमारी और एक अमीर व्यवसायी की बेटी की दोहरी भूमिका निभाई। हाउसफुल 4 एक बड़ी सफलता मूवी थी, जिसने 2.8 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दो तो 37 मिलियन से अधिक की कमाई किया था अमेरिकी डॉलर में। उस वर्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए उन्होंने साथी पानीपत मूवी की तीसरी लड़ाई पर जो है आधारित इन साथी आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म जो है इनकी पानीपत में अर्जुन कपूर की सदा शिवराज इन भाव के साथ जो है यानी कि पारवा यानी कि पर्वत बाई की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पे बम के रूप में उभरी थी। बता दें दोस्तों, सेनन ने फिर से यानी कि मोडाक के फिल्म द्वारा निर्मित की गई कॉमेडी ड्रामा मेमी फिल्म 2021 में लक्ष्मण उटेकर के साथ फिर से काम किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जो 2011 की मराठी फिल्म माला आई एन साथी बहेची की रीमेक थी। इसने उन्हें एक जो है महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की मुख्य भूमिका में अभिनय किया था, जो एक सरोगेट माँ बन गई थी फिल्म के अंदर। सरोगेट माँ की भूमिका निभाई फिल्म को नेटफ्लिक्स और साथ ही जो है कि जियो सिनेमा पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। तरन आदर्श ने लिखा है, सेनन बहुत ही यानी कि मनोरंजक मूवी में दिखती है, इंसानी परफॉर्मेंस देते हैं, यह निश्चित रूप से उनका सबसे यानी कि कुशल प्रदर्शन है, और सभी यानी कि तिमाहियों से सराहना प्राप्त करना चाहिए था। निश्चिंत यह है कि साथी यानी कि मैशेबल इंडिया ने सेनन के प्रदर्शन को अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहा था, और सेनन ने खुद को आगे बढ़ाया है इसी मूवी से। और वास्तव में जैसा कि आपको बता दें, आप उसके साथी फिल्म को देखते हैं एंड सिर्फ आप यानी कि उसे अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी फिल्म यानी कि सेनन के लिए तरह से प्यार एक तरह से बहुत ही प्यारा फिल्म था, और मिमी मूवी में उनके प्रदर्शन के लिए सेनन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आईफा पुरस्कार भी जीता। उनकी अगली मूवी रिलीज अभिषेक जैन की कॉमेडी हम दो हमारे दो मूवी थी, जो राजकुमार राव के साथ ये मूवी थी। इसे मोडाक फिल्म द्वारा भी निर्मित किया गया था, इसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। बताया दोस्तों, सेनन की 2022 में पहली रिलीज मूवी बच्चन पांडे के साथ आई, जिसने अक्षय
अक्षय कुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली थी, जिसने 180 करोड़ से अधिक के बजट में बनाया गया था। लेकिन बता दें दोस्तों, यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 24 मिलियन के बजट के मुकाबले मूवी ने सिर्फ 69 करोड़ की ही कमाई किया और ये मूवी पूरी तरह से पिट गई। विकास के बारे में हम बात करें तो विकास बहल की एक्शन फिल्म जो है कि गणपत में टाइगर श्रॉफ और साथ ही हॉरर कॉमेडी भेड़िया फिल्म में वरुण धवन के साथ सनोन फिर से दिखाई देंगे, जो वह ओम और साथ ही राउत की फिल्म जो है साथ ही साथ आदि पुरुष मूवी 2023 में सीता की भूमिका में ये दिखाई देंगी, जिसमें जो है प्रभास और सैफ अली खान होंगे सह कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं। और वह तेलुगु भाषा की फिल्म अलवैकुंटा परम मूवी के रीमेक में शहजादा कार्तिक इन साथी आर्यन के साथ फिर से दिखाई देंगी और वह यानी कि अनुराग कश्यप की थ्रिलर फिल्म में भी दिखाई देने वाली है। दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म को 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों से अच्छी समीक्षाएं मिली थी और अक्षय कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। लेकिन कहानी और पटकथा खराब, चरित्र विकास के लिए लेखन इन साथ जो है अनावेक्षित कॉमेडी और कमजोर कार्रवाई की आलोचना भी की गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बी प्रकाश द्वारा गाए गए गीत मेरी जान ने लोकप्रियता हासिल किया। बताया दोस्तों, बच्चन पांडे को शुरू में तमिल भाषा में और साथ ही फिल्म जो है विरम का रीमेक बनाया जाना था, लेकिन फिल्म के निर्माता मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया था कि बच्चन पांडे तमिल फिल्म जिगर ठंडा की रीमेक बनाई जा रही है। दोस्तों, वहीं पे बात करें फिल्म के शीर्षक के बारे में, तो मूवी के शीर्षक को लेकर 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है, क्योंकि शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। बता दें दोस्तों, मुख्य फोटोग्राफी 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई थी और साथ ही साथ 6 जनवरी 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा किया गया था। बताया दोस्तों, बच्चन पांडे पहले 1 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान के अनुरोध के कारण इसे 22 जनवरी 2021 तक बदल दिया गया था। फिल्म अंततः 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। अब ये फिल्म 15 अप्रैल 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग किया गया था। उपग्रह अधिकार जी सिनेमा द्वारा भी अधिग्रहित किए गए हैं। बता दें दोस्तों, मूवी को रिलीज होने के बाद कुछ अच्छे रिस्पॉन्स तो नहीं मिले, लेकिन रिलीज होने पर बच्चन पांडे को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है यानी कि ऑन यानी कि स्टॉप के साथ मनोरंजन में, पटकथा के साथ अक्षय कुमार एक्शन में उत्कृष्ट दिखते हैं, बड़े पैमाने पर भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। कट्टर मनोरंजन की तलाश करने वालों के साथ उद्देश्य से पर्याप्त ताली और सिटी के क्षण इसमें रखे गए हैं, जो कि जनता के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बता दें दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और इसे अजीब और साथ ही घिसे पीटे चरित्र की एक जो है न कि अराजक जो है करार दिया है। बता दें दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 13.25 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया, तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया था और पूरे एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने एक हफ्ते में 37.25 करोड़ से अधिक की कलेक्शन किया। इसी तरह 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49.98 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 9.11 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था। फिल्म को द कश्मीर फाइल से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाई थी। बता दें दोस्तों, वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्याज को खारिज कर दिया जाता है और एक लाभ जो है कि अनमुख निर्माता सुंदर अदु कलाम नरेन जो मुखिल के खिलाफ है और घोषणा करता है कि कार्तिक ने प्रतियोगियों के बीच जो है सबसे अच्छी फिल्म बनाई है। हालांकि मुखिल कार्तिकों को प्रतियोगियों यानी कि प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। सुंदर कार्तिक के साथ जो है निर्देशन के रूप में एक फिल्म का निर्माण करने की पेशकश करते हैं। वह दोनों आज शो से बाहर हो गए हैं और अगले दिन सुंदर नाराज हो जाता है, क्योंकि कार्तिक ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उससे मिलने आया था
उसी स्क्रिप्ट में रुचि नहीं रखता है जिसे कार्तिक फिल्माना चाहता है, और इसके बजाय वह जो सुझाव देता है कि वह नायक जो है यानी कि थलापति द गॉडफादर आदि के शैली के साथ जो है एक गैंगस्टर फिल्म बनाना चाहता है। सेम इसी तरह की कहानी आपको जो है उस फिल्म में देखने को मिलेगी, बच्चन पांडे फिल्म में भी थोड़े से चेंजेस के साथ। फिल्म में एक गैंगस्टर के ऊपर कहानी को बनाया जाता है और एक गैंगस्टर जो है तलाश किया जाता है जो अक्षय कुमार इस फिल्म में बच्चन पांडे के किरदार में नजर आए। सुझाव को दिल से लिया जाता है और दस्तावेजीकरण पर अपना दिमाग जो है लगाते हैं, एक गैंगस्टर का जीवन और उसमें से एक फिल्म की पटकथा बनाना चाहते हैं। अपने ही पत्रकार चाचा गजराज की मदद से कार्तिक को मदुरै शहर में एक जो है क्रूर गैंगस्टर अलाल्ट यानी सेतु से मिलते हैं, और ये सेतु के जगह यहाँ पे आपको अक्षय कुमार मिलेंगे बच्चन पांडे के रूप में। बेबी सीमा के बारे में पता चलता है और वह सेतु के जीवन के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। वह मदुरै की यात्रा करते हैं और सेतु और उसके जो है यानी कि आदमियों पर निगरानी रखने के लिए एक जो है अनिच्छुक कॉलेज के मित्र उरानी कर्णोकरण की मदद लेते हैं, क्योंकि कार्तिक और उरानी सेतु से सीधे ही संपर्क करने से डरते हैं। इसलिए वह सेतु के दो शीर्षक गुर्गों के साथ जो संपर्क विकसित करने की योजना बनाते हैं। वह एक पुराने दुकानदार पेटी कढ़ाई और साथी पजामी जो है संगी गली मुर्गा दास से मिलते हैं, जो कि वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सेतु के बचपन से ही आसपास रहा है। सेतु के करीब आने के कार्तिक जो है कार्तिक कायल विड्डी लक्ष्मी मेनन के प्यार का बदला लेने का एक कार्य भी करते हैं, जिसकी माँ अंबिका सेतु के लिए खाना बनाती है। सेतु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उनके जो है विभिन्न प्रयासों के कारण वह सेतु के दाहिने हाथ वाले राशु और साथ ही रामचंद्र दुरैजा के संदेह को जगाते हैं, जो कार्तिक और उरानी को देखने के लिए एक साउंडर सेथिल कुमार रखते हैं, और साउंडर कार्तिक के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं और कार्तिक अपने ही यानी कि ट्रोस्टा का इस्तेमाल म्यूजिक प्लेयर में वायरल और माइक्रोफोन लगाने के लिए करते हैं, जिससे वह साउंडर को उधार देते हैं और साथ ही घटनाओं के एक ट्यूरेट मोड में साउंडर का एक विरोधी ग्रोह के लिए एक तिल के रूप में यानी कि वडाफोर्ड किया जाता है और उसे जो है मार दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, अक्षय कुमार की ये मूवी 18 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम जिगर ठंडा मूवीज़ की कहानी को बता रहे हैं, क्योंकि कहानी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे फराज सामजी सर और फिल्म की कहानी फराज सामजी सर ने ही लिखी है। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला। जिगर ठंडा मूवीज के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। कीर्तिक शोभराज व इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। साजिद नदीदवाला मूवीज के प्रोड्यूसर है और फिल्म के मुख्य स्टार करते हैं अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अर्षद वारसी ने फिल्म में अभिनय किए हैं। मूवीज को अनाउंसमेंट कर दिया गया है 18 मार्च 2022 को ये मूवी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को AA Film NG स्टूडियोज के बैनर के तहत मूवीज को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, तो चलिए इस मूवीज के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कीर्ति सनोन मैम के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बतला दें कि कीर्ति सनोन अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है और इनको अब तक जो है कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। फ्रेंड अगर आप कीर्ति सनोन मैम के फ़ैन हैं, इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बच्चन पांडे फिल्म के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सबसे पहले कीर्ति की जन्म के बारे में हम बात करें तो 27 जुलाई 1990 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बता दें कि इन्होंने बच्चन पांडे फिल्म में अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड के किरदार में नज़र आई हैं और बच्चन पांडे मूवी मुझे लगता है 2022 की सबसे धमाकेदार मूवीज़ होने वाला है, क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, अच्छा रिस्पांस मिला है, पोस्टर काफ़ी खतरनाक रिलीज किए गए हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में पोस्टर तो देखने को मिल रहे होंगे और इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं वो भी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कीर्ति सनोन का जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी में काम किया था और अपनी शुरुआत की थी
कीर्ति सुनो ने सबीर खान की एक्शन कॉमेडी रोमांटिक हीरोपंती फिल्म 2014 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसने हिंदी सिनेमा में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया था। सेनन ने तब जो है व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में काम करने लगी। 2017 में उन्होंने लुक्का छुपी फिल्म में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने अभिनय किया और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी कॉमिक एक्शन रोमांस दिलवा फिल्म थी, जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने अभिनय किए थे। और कॉमेडी हाउसफुल 4 मूवी 2019 के साथ आई थी। उसने कपड़ों की अपनी लाइन भी शुरू किया है, जो कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करता है, और फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है। कीर्ति म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी है। कीर्ति सनन का जन्म 27 जुलाई में हुआ था 1990 को। नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल सनन के घर में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी साथी प्रोफेसर गीता सनन उनके घर में जन्मी थी। उनका परिवार पंजाबी है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में पढ़ाई किया है और बाद में जो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन में अपनी दाखिला ली है। दोस्तों वीडियो में बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे, बता दें कि बच्चन पांडे मूवी की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 18 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सुनोन है इस मूवीज में, और मूवीज की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रिमेक को बनाया गया है। कीर्ति सुनोन ने सबसे पहले 2014 में सुकुमार सर की तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी जो है ननो कादिन से एक पत्रकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जो महेश बाबू के चरित्र गौतम की प्रेम रुचि है। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा है कि कीर्ति सुनोन सुंदर दिखती है और अच्छा अभिनय करती है, जबकि sifi.com के एक समीक्षक ने कहा है कि वह खूबसूरत दिखती है और भी अच्छी फिल्मों में नवोदित और नवागंतुक के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उसी वर्ष बाद में कीर्ति सुनोन ने डेब्यूटेंट टाइगर श्रॉफ के साथ सबीर खान के एक्शन रोमांस हीरोपंती फिल्म में माध्यम से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत था, लेकिन फिर भी यह मूवी आश्चर्यजनक सफलता मूवी थी। इसने दुनिया भर में 726 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 9.6 मिलियन की कमाई किया था। फिल्म ने बॉलीवुड हंगामा के तरन अदर्स ने लिखा है कि कीर्ति सुनोन खूबसूरत दिखती है फिल्म में और अपने हिस्से को निश्चिंता से अभिनय करती है और आत्मविश्वास के साथ संभालती है अपने करेक्टर को। और यह भी कहा उन्होंने उसके पास एक स्टार की टैंपिंग है, जो एक स्टार बनने के उनमें सारे गुण भरे हुए हैं। जबकि राजीव मंसद सर ने कहा है कि वह प्यारी दिखती है फिल्म में और अपने दिमाग के बावजूद एक जो है छाप छोड़ती है और भूमिका अच्छी तरह से निभाती है। इसके विपरीत द टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना दास ने कहा है उनकी भावनाओं की आलोचना करते हुए इसे साथी जो है इनकी तीक्ष्ण से अधिक जो है आकर्षण कहा गया है। कीर्ति सनन ने 2015 के शुरुआत में अपनी ही दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा के अपराध नाटक जो है दो चाय में नागा चैतन्य सर की सह अभिनीत के रूप में उन्होंने वरुण धवन, एन शाहरुख खान और काजोल के साथ रोहित शेट्टी के हास्यपूर्ण एक्शन रोमांस दिलवाले फिल्म में अगली कास्ट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया है, जिसने 3.72 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। दुनिया भर में फिल्म ने अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सनोन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। पूरे 2016 में स्क्रीन से अनुपस्थिति के लिए एक वर्ष के बाद सनोन ने निर्माता दिनेश बिजन के साथ जो है मिलकर कई फिल्मों में से पहली बार अपने निर्देशन में बनी राप्ता में काम किया, जिसमें जो है उन्होंने और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार क्रॉस यानी प्रेमी के रूप में देखा गया था, जो कि पुनर्जन्म लेते हैं। एक तीखी समीक्षा में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को साथी जो है कि शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया, लेकिन कीर्ति सुनोन की प्रतिमा उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया गया था। फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही तरह से फ्लॉप रही थी और मूवी को कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।
दोस्तों अभी आप देख रहे हैं एके मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को। अगर आप लोग बच्चन पांडे फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म होने वाला, क्योंकि मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर दिया गया है 18 मार्च को ये मूवी इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। दोस्तों मूवीज़ की कहानी जिगर मूवी से रिमेक बनाया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के किरदार में फिल्म में नजर आए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला, जो आपको ये मूवी अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों वीडियो में हम मूवी के रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी में बेहतर जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जो है जिद्दी ग्रामीण भारतीय महिला के रूप में कीर्ति सनोन के अब्बाद के चित्रण को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म में जिसमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फ्रांसिस लेखक था, और साथ ही निकोल्स बेरेऊ के उपन्यास द साथी जो है यानी कि इंग्रेड डिएटर्स ऑफ लॉ के रूपांतरण फिल्म में उनके विपरीत जो है अभिनय किया था। NDTV की सैबल चटर्जी ने कहा है कि बरेली की बर्फी के काम का बोझ वह कीर्ति सनोन पर है और वह गलत नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता मैम ने कहा है कि उनके बारे में सोचा कि कीर्ति सनोन के प्रयास के बावजूद जो है उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता की कमी थी, और इसमें अपने ही 200 मिलियन NUC में कन्वर्ट किया जो 2.7 मिलियन बजट के मुकाबले 548 मिलियन तक फिल्म ने कमाई किया था। USA में कन्वर्ट किया जाए तो 7.3 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 2018 में उनकी एकमात्र उपस्थिति अमर कौशिक की कॉमेडी हरर फिल्म शत्री में आओ कभी हवेली पे गीत के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष गीत की उपस्थिति दर्ज की थी, जिसे बिजान ने राज साथी निधि मोरू और कृष्णा डीके के साथ जो है मिलकर बनाया था, जिन्होंने फिल्म बनाते समय भी लिखा था। निर्माता के रूप में उनकी शुरुआत किया था 2019 में लुका छुपी फिल्म के एक कार्यक्रम में कीर्ति सनोन और कार्तिक आर्यन सर एक साथ नजर आए थे। कीर्ति सनोन ने 2019 में बिजन के साथ दो फिल्मों में काम किया, जिनमें से पहली सिनेमाटोग्राफर मूवी लक्ष्मण उट्टेकर की हिंदी निर्देशक वाली पहली फिल्म चुका लुका छुपी मूवी थी, जो कि लिव इन और साथ ही रिलेशनशिप पर एक व्यंग मूवी थी, जिसमें उन्हें कार्तिक आर्यन के साथ जो है जोड़ा गया था। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा है कि कीर्ति सनोन पूरी तरह से जो है यानी कि सहज दिखती है, और ऐसा लगता है कि वह कॉमेडी में अपना पैर जमा रही है। इसी प्रक्रिया में सभी का एक जो है शानदार समय है। एक सुपरहिट लुका छुपी फिल्म ने 1.29 बिलियन का विश्व संचय किया था। मूवी हिट रही थी और 17 USD में कन्वर्ट किया जाए तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई का उन्होंने रोहित जो है जुगराज की इस फूड कॉमेडी अर्जुन पटियाला में फिर से जो है यानी कि बिजान के साथ सहयोग किया, जिसमें जो है दिलजीत दोसांझ ने मुख्य किरदार निभाए थे और मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो कि नायक की प्रेम रुचि के रूप में कार्य करता है, और बाद में एक विशेष गीत की उपस्थिति के बाद जो है साजिद नदीदवाला के साथ मिलकर काम किया था। फरहाद सामजी की पुनर्जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 पर जो है कलंक, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक राजकुमारी और लंदन के एक जो है अमीर व्यवसायी की बेटी की दोहरी भूमिका निभाई, जिनके साथ वह मूल रूप से हाउसफुल 4 फिल्म में अभिनय किए थे। हाउसफुल 4 पर कलंक के एक जो है विशेष गीत की उपस्थिति के बाद साजिद नदीदवाला सर के साथ जो है मिलकर काम किया गया था, जिसमें उन्होंने एक की दोहरी भूमिका निभाई थी, राजकुमारी लंदन के एक अमीर व्यवसायी की बेटी अक्षय कुमार के साथ, जिनके साथ वह मूल रूप से यानी कि अर्सिन इज बिलिंग फिल्म में सहयोग करने के लिए तैयार थी, जहाँ से उनकी भूमिका एमी जैक्सन धारा भारी पड़ गई थी जब उन्होंने वाले के सांस से ड्यूलिंग संघर्षों के कारण जो है बाहर कर दिया गया था। हाउसफुल 4 फिल्म एक बड़ी सफलता मूवी थी, जिसने दुनिया भर में 2.8 बिलियन भारतीय रुपए से अधिक की कमाई किया था। उसी वर्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए उन्होंने पानीपत फिल्म की तीसरी लड़ाई पर आधारित जो है आशुतोष गोवारकर की पीरियड ड्रामा पानीपत फिल्म में अर्जुन कपूर की साथ ही सदाशिव राज भाऊ के साथ जो है यानी कि पर्वत तिवारी की भूमिका निभाई थी।
पर्वती भाई की भूमिका फिल्म में निभाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बम के रूप में समाप्त हुआ था। उसी वर्ष कीर्ति सुनन जो है फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी थी, जो 80.9 मिलियन एनी यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 1.1 मिलियन की अनुमानित वार्षिक आय के साथ जो 38वें स्थान पर इनको जगह मिला था। कीर्ति सुनन ने अगली बार जो है उटेकर के नाटक मिमी फिल्म में अभिनय किया था। मिमी फिल्म में शीर्षक भूमिका निभाई जिसमें उन्हें जो है यानी कि समृद्धि पुरी की 2011 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई जो है यानी कि वह चिकी के रीमेक में एक जो है सरोगेट माँ के रूप में इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुआ था। तरण आदर्स ने लिखा, मिमी मूवी एक दिल को छू लेने वाली कथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को लक्षित करना है और यह जो है दर्शकों का भरपूर जो है मनोरंजन करती है। मूवी और कीर्ति सुनन बहुत ही मनोरंजन प्रदर्शन करती है। यह निश्चित रूप से उनका सबसे कुशल प्रदर्शन है और सभी जो है तिमाही में प्रशंसा प्राप्त करना निश्चित है। और मैसेबल इंडिया ने सनैन के प्रदर्शन को अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। कीर्ति सुनन ने खुद को आगे बढ़ाया और वास्तव में जैसा कि आपको पता है आप उसके साथ फिल्म देखते हैं और सिर्फ आप उसे जो है अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी फिल्म कीर्ति सुनन के लिए हर तरह से प्यारा मूवी था। कीर्ति सुनन की अगली रिलीज मूवी गुजराती मूवी थी। गुजराती निर्माता अभिषेक जैन की पहली फिल्म हम दो हमारे दो थी जिसमें राजकुमार राव थे जिसे जो है बिजान ने भी बनाया था। और चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं बच्चन पांडे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चन पांडे फिल्म को 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली और मूवी को 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी घोषित किया गया है। क्योंकि दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म ने अपने पहले दिन 13 करोड़ से अधिक की कमाई किया। वहीं पर बात कर ले दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई किया और तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म के पूरे एक हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने एक हफ्ते में 37 करोड़ से अधिक की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने भारत में 49 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था। और बात करें विदेशों के बारे में तो फिल्म ने विदेशों में 9.11 करोड़ से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में फिल्म ने 68.61 करोड़ से अधिक की संग्रह किया है और फिल्म को द कश्मीर फाइल से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ गया था। दोस्तों वहीं पे बात कर ले इस मूवी की बजट के बारे में तो बच्चन पांडे फिल्म को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था और ये मूवी अपने बजट को रिकवर करने में नाकामयाब रहा जिसके वजह से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया है। दोस्तों फिल्म रिलीज होने के बाद एक अच्छी उम्मीद की जा रही थी कि बच्चन पांडे मूवी अच्छी कमाई करेगी और अपने बजट को रिकवर करेगा लेकिन ऐसा करने में बिल्कुल नाकामयाब रहा जिसके वजह से फिल्म को बिल्कुल फ्लॉप घोषित किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है बच्चन पांडे मूवी को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।